हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई दस आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत आवारा मसीहा जीवनी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं इस जीवनी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है शरत चंद चट्टोपाध्याय की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो सच्चे अर्थों में देश भर में अत्यंत लोकप्रिय थे उनकी प्रायः सभी रचनाओं का अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में हुआ और वे खूब चाव से बार बार पढ़ी गई आज भी पढ़ी जाती है वे स्वयं प्रथम श्रेणी के कथाकार हैं और शरद चंद में गहरी आस्था रखते हैं उन्होंने यात्रा यात्रा पत्र व्यवहार भेंट वार्ता आदि अब तक के समस्त उपायों और साधनों से इस कार्य को पूर्ण किया है जो कि इस ग्रंथ में प्रस्तुत है यह जीवन चरित्र न केवल बहुत विस्तार से उन पर प्रकाश डालता है अपितु तो उनके जीवन के कई अज्ञात पहलुओं को भी उजागर करता है आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था तो आइए देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियों को उपन्यास में ढलती रात स्वप्नमयी अर्धनारीश्वर धरती अब भी घूम रही है क्षमादान दो मित्र पाप का घड़ा होड़ी नाटक में हत्या के बाद नव प्रभात डॉक्टर प्रकाश और परछाइयाँ बारह एकांकी अशोक अब और नहीं टूटते परिवेश कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है मेरा वतन खिलौने आदि और अंत आत्मकथा में पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा तीन भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई जीवनी में आवारा मसीहा यात्रा वृत्तांत में ज्योतिपुंज हिमालय जमुना गंगा के नहर में इस जीवनी के पात्र हैं शरतचंद चट्टोपाध्याय मोक्षदा हिरण्यमयी देवी तथा राजू तो आइए देखते हैं उद्देश्य को कोई भी साहित्यिक रचना निरुद्देश्य नहीं होती उसके पीछे रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है यह उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष उद्देश्य कला जीवन के लिए सिद्धांत को प्रतिपादित करता है अप्रत्यक्ष उद्देश्य कला कला के लिए सिद्धांत को प्रतिपादित करता है श्री विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है उनका नाम हिंदी एकांकी और कहानी के क्षेत्र में ख्यात है आवारा मसीहा श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित विश्व विख्यात बंगला उपन्यासकार चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रामाणिक जीवनी है प्रस्तुत ग्रंथ में लेखक ने शरत से संबंधित अनेक अदृश्य चित्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें हमें शरद के जीवन के दोनों रूपों के दर्शन होते हैं एक आवारगी का जीवन दूसरा मसीहा का जीवन साथ ही उनके जीवन के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का सिलसिलेवार ब्यौरा भी मिलता है प्रभाकर जी ने स्वयं कहा है मैंने शरद चंद जी के लिए जी की जीवनी को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए अनेकानेक विवरणों का उपयोग किया है अतः लेखक का उद्देश्य रहा है कि शरद का प्रामाणिक जीवन पाठकों तक पहुँचे अतः लेखक का मूल उद्देश्य शरद के आवारापन एवं मसीहापन दोनों रूपों का वर्णन करना है और साथ ही तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण करना है यह कहना गलत न होगा कि लेखक अपने उद्देश्य सफल उद्देश्य में सफल हुआ है तो आइए देखते हैं आवारा मसीहा के सारांश को आवारा मसीहा के पर्व आवारा मसीहा श्री विष्णु प्रभाकर ने सुप्रसिद्ध बंगला साहित्य के लेखक श्री शरदचंद चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है साहित्य में इसे जीवनी विधा के अंतर्गत रखा जा सकता है इसमें विष्णु प्रभाकर ने खंडों कांडों, सरगो भागो अध्या, अध्यायों की बजाय इन तीन पर्वों में शरद के जीवन एवं साहित्य को बांटते हुए अलग अलग नामों से अभिहित किया है पहले पर्व का नाम है दिशाहारा रखा है इसमें शरद के बाल्यकाल की घटनाएं एक सूत्र में पिरोई गई है इसमें इच्छाओं के कारण शरद को भटकना का भटकना का भी रेखांकन है दूसरे पर्व का नाम दिशा की खोज है इसमें शरद का आज आजीविका की खोज में देश विदेश में भटकने एवं साहित्यिक जीवन दर्शन का वर्णन है तीसरे पर्व का नाम दिशांत है इसमें शरद की उपन्यासकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा एवं समाज में उनके भिन्न भिन्न क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है साथ ही उनके स्वर्गवास की घटनाओं को भी अंकित कर दिया गया है दिशाहारा इसमें शरद के बाल्यकाल का वर्णन किया गया है इनके पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना के कांचड़ा, पाड़ा के निकट मामूदपुर के रहने वाले और निर्भीक एवं स्वच्छंद स्वभाव के व्यक्ति थे उनकी पत्नी का नाम भुवन मोहिनी था जो साधारण रूप रंग की महिला थी उनके यहाँ शरद चंद का जन्म पंद्रह सितंबर अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी तदनुसार इकतीस भाद्र बारह सौ तेरासी बंगा बंगाब्द आश्विन कृष्णी द्वादशी संवत उन्नीस सौ तैतीस एकाब्द सत्रह सौ अंठानवे शुक्रवार की संध्या को हुआ इनका बचपन देव देवानंदपुर में बीता इनके पिता भायावरी वृत्ति के व्यक्ति थे वे किसी भी स्थान या नौकरी पर अधिक दिन ना टिक सके ऐसी स्थिति में शरद का जीवन भी प्रभावित हुआ शरद को पाँच वर्ष की आयु में स्कूल भेज दिया गया वे शुरू से ही नटखट स्वभाव के थे इसलिए स्कूल में भी शरारत करते रहते थे कभी वह पंडित की चिलम में तंबाकू की जगह पत्थर भर देता तो कभी हुक्के में पानी की जगह कुछ और भर देता इसकी इन्हीं हरकतों से पंडित जी नाराज़ हो रहने लगे एक बार इसी शरारत का पंडित जी को पता चल गया और उन्होंने शरारती का नाम पूछा एक लड़के ने बता दिया दंड की आशंका कर शरत कक्षा से भाग खड़ा हुआ और भागता भागता नाम बताने वाले लड़के को धक्का देना ना भूला इस बात को पंडित जी ने उसके पिता को बता दिया नाना ने उसकी पिटाई की कुछ भी हो लेकिन शरत पढ़ाई में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में तेज था इसी कारण उनके अनेक शरारतों को अनदेखा कर दिया जाता था पंडित का लड़का काशीनाथ शरद का परम मित्र था दोनों ही घूमते फिरते हुए तरह तरह की शैतानियों शैतानियां कर देते थे शरद की कक्षा में एक धीरू नाम की एक लड़की पढ़ती थी शरद उसके साथ ही भी शरारत करता था शायद ही यह धीरू ही उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास देवदास की नायिका पार्वती बनी सरत और काशीनाथ की शरारतों में धीरू भी साथ देती थी इसी कारण वह सुख दुख के साथिन बन गई एक बार की बात है सरत ने एक लड़के को ईंट मारी और भाग कर कहीं छिप गया धीरू को यह सब पता था धीरू ने सरत से कहा कि वह यह सब उसकी माँ को बता देगी यह सुन क्रोधित हो सरत ने धीरू को धीरू को एक धौल मारा इस बात पर धीरू खूब रोई इसी कारण शरद की माँ ने उसकी खूब पिटाई की लेकिन इन दोनों बालकों की मित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों ही दिन भर साथ साथ घूमते फिरते बातें करते दिन बिता दिया करते शाम को जब वे घर पर आते तो इनकी पीठ पूजा होती थी शरद को मछली पकड़ने का शौक चढ़ता जा रहा था इसी बीच उनके पिता को देवानंदपुर में नौकरी मिली जिसके कारण शरद को भी वहाँ रहना पड़ा शरद निर्भीक एवं साहसी था किंतु सुंदर नहीं था आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी हाँ वह परोपकारी जरूर था निडर था पढ़ने के समय उसे रोना आ जाता था उसे शरारत करने में मज़ा आता था एक दिन वह सबके साथ खेल रहा था इतने में अचानक नाना आ गए और पूछने लगे कि आज पाठ याद नहीं किया था तो शरत ने उत्तर दिया कि आज पंडित जी बीमार हैं इसलिए वो वे आ नहीं सके यह सुनकर नाना पंडित भी क, पंडित भी का हाल पूछने के लिए गए वह फिर स्वतंत्रता से खेलने लग गया शरद को नदी के किनारे मौन एकांत में बैठना भी बहुत पसंद था तभी तो लेखक लिखता है कि उसने गंगा के किनारे बैठकर यह सौगंध खाई होगी कि मैं सूर्य गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूँगा कि मैं छोटा काम नहीं करूँगा बेशक शिक्षा में उसका दिल ना लगता था पर अल्पायु में ही उसने स्कूल के पुस्तकालय में उपलब्ध महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ डाली एक दिन अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे शरद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा तभी किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई उन्होंने पूछा कौन रो रहा है शरद ने इसके उत्तर में कहा इस स्त्री का स्वामी इस स्त्री का स्वामी अंधा था लोगों के घर बर्तन मांझ कर या अन्य काम कर यह उसका और अपना पेट पालती थी कल रात वह अंधा स्वामी मर गया यह बहुत दुखी है दुखी लोग बड़ों के बड़ों को दिखाने के लिए ज़ोर जोर से नहीं रोते उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है मास्टर मुसाई यह सचमुच का रोना है मास्टर जी रोने का यह सूक्ष्म विश्लेषण सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है बड़ा होकर अवश्य ही प्रसिद्ध होगा पिता के यायावरी स्वभाव के कारण शरत नाना के घर अधिक दिन ना रह सके जिससे कि शरद के पढ़ने लिखने में व्याघात तो पड़ा ही साथ ही साथ उनकी आवारगी भी बढ़ती गई गल्प सुनाने में शरद प्रवीण था और उनमें सूक्ष्म पर पर्यवेक्षण की अद्भुत क्षमता थी शरद फिर से पिता के साथ साथ भागलपुर आकर रहने लगे यहाँ उनका एक मित्र बना जिसका नाम था राजू ये दोनों शरारती एवं परोपकारी थे एक बार माघ के महीने में बंगला स्कूल के पंडित जी की पत्नी का देहांत हो गया पंडित जी रोगग्रस्त थे समस्या थी कि दाह संस्कार कैसे हो स्कूल के हेडमास्टर ने राजू और शरद के साथ मिलकर दाह संस्कार की व्यवस्था की जब राजू शरद आदि सब यात्रा पर निकले तो घोर वर्षा आरंभ हुई आकाश से ओले पड़ने लगे अब शव के पास बैठना संभव ना था अतः राजू ने कहा कि आप सभी किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं मैं यहाँ शव की रक्षा करता हूँ बहुत देर तक वर्षा होती रही वर्षा बंद होने पर वे लोग वापस लौटे और देखा कि मुर्दा रखा है पर राजू नहीं है फिर देखा कि शव हिल रहा है सभी डर गए पर देखा कि लाश के साथ राजू लेटा हुआ है और वह ओलो से अपनी रक्षा कर रहा है अतः दोनों ही निडर थे साथ ही साथ 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 रहते थे इस तरह दोनों का समय बीत रहा था ऐसे समय में शरद की माँ का असामायिक निधन हो गया इस आघात ने शरद को तोड़ दिया क्योंकि शरद आज तक जितना भी पढ़ सका उस सब उसकी माँ की ही मेहरबानी थी अतः शरद समझ गया कि वह पढ़ नहीं पाएगा अतः पढ़ाई समाप्त हो गई हाँ नाटक थिएटर गाना बजाना साहित्य सृजन आदि कार्यों में उसका मन रमने लगा एक बार सरत ने अपने एक मित्र के साथ गाना सुनने के लिए गया गाना सुनने के बाद दोनों ने शराब पी और वहीं सो गए सुबह उठने पर उसका मित्र रोने लगा क्योंकि उसकी जेब में तीन हजार रुपये थे वे नहीं मिले यह देख नर्तकी आई और शरद के मित्र पर खूब डांट मारी और पैसे वापस दे दिए और कहने लगी कि शराब में धुत होकर सबके सामने नोटों की गड्डी में से पैसे निकाल कर दे रहे थे गुंडे तुम्हें लूटने की ताक में थे इसलिए मैंने निकाल कर अपने पास रख लिए थे यह दृश्य देख शरद का हृदय पिघल गया और वैश्याओं के प्रति उनके मन में जो भावना थी वह बदल गई इसी कारण वे कहते हैं कि जिन स्त्रियों को हम वैश्य उल्टा आदि कहते हैं वे भी कितनी ईमानदार और सच्चरित हो सकती है माना जाता है कि देवदास में चंद्रमुखी आदि वश्याओं का चित्रण इसलिए उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक किया है शरद के जीवन के साथ कितनी अफवाहें जुड़ी हुई है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता परंतु अधिकांश अपवाद वे स्वयं फैलाते थे संभवतः ऐसा करने में उन्हें आनंद का अनुभव होता होगा वे स्वयं ही मामा से कह देते हैं कह देते कि मैं सचमुच मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ परंतु मामा आज तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए हाँ एक बात ज़रूर है कि वे अपने मित्र की बहन निरूपमा की ओर आकर्षित जरूर हुए थे किंतु इसका कारण था कि वह एक अच्छी कवियत्री थी वह शरद की कहानियाँ पढ़ती रहती थी और शरद भी उसकी कविताओं की प्रशंसा किया करता था शरद के पिता ने कुछ कीमती पत्थर एकत्रित कर रखे थे एक दिन शरद को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई और उन्होंने एक पत्थर निकाल कर बेच दिया पूछने पर उसने बताया कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी इस पर उनके पिता बिगड़ पड़े और शरद को खूब डांटा यह सुनकर शरद घर से निकल भागा लेकिन उसके घर से भागने का केवल यही कारण ना था उसके घर में बच्चों की देखभाल के लिए एक दाई थी जो बच्चों को कई बार बेमतलब डांटती थी पिता से उसकी शिकायत करने पर भी वे उन्हीं का पक्ष लेते थे पिता के इसी व्यवहार से शरत शुभ्ध हो गया और घर छोड़कर चला गया था वह घूमते घूमते एक सन्यासी आश्रम में पहुँच गया वह सन्यासियों से अनुरोध करके वहीं रहने लगा उसने रुद्राक्ष की माला पहन ली और उनका शिष्य बन गया परंतु पिता की ही भांति उसका भी मायावरी स्वभाव था अतः वह वहाँ अधिक दिन ना टिक सका वह फिर मुजफ्फ़रपुर मैं अपने एक मित्र साहू के पास रहने लगा वह नृत्य प्रति संगीत मंडलियों में भाग लेता यही नहीं वह प्रायः देर रात तक वैश्याओं के घर से शराब पी कर लौटता जिस पर गृहस्वामी ने उसे टोका लेकिन वह कभी ना माना एक दिन भागलपुर से तार आया कि उनके पिता का देहांत हो गया है अतः वह फिर से भागलपुर आ गया शरद अपने पिता के दाह संस्कार के समय ना पहुंच सका अतः उसके मामा ने उनके उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया अब सरा पर अपने तीन छोटे भाई और एक छोटी बहन का दायित्व आ पड़ा सब उसकी सबसे छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन ने अपने पास रख लिया एक भाई को मित्र के पास काम सिखाने के लिए छोड़ दिया और एक भाई प्रकाश के को नाना अगोरनाथ के पास छोड़ दिया अतः वह इन सबको यहाँ वहाँ छोड़कर स्वयं बर्मा भाग गया इसी बीच उन्होंने मित्रों के इस अनुरोध पर कि कुंतली कुंतलीन पुरस्कार के लिए कहानी लिखो जिस पर प्रथम आने पर पच्चीस रुपये मिलेंगे शरद ने कहानी तो लिखी लेकिन अपने मामा सुरेंद्र का नाम कहानी पर लिख भेजा कहानी प्रथम आई इनाम मिला प्रशंसा मिली लेकिन सब उसके मामा को हाँ मामा ने लोगों से स्पष्ट बता दिया था कि यह शरत ने लिखी है इसी दौरान सरत दिशा की खोज में बर्मा चला गया रंगून पहुँच पहले तो शरद अपने मौसा के यहाँ रहा किंतु कुछ दिन बाद मौसा स्वर्ग सिधार गए अतः उसे वह घर आश्रय छोड़ना पड़ा फिर उसने एक दोस्त मनीन्द्र के सहयोग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के कार्यालय में अस्थाई नौकरी मिल गई फिर उन्हीं के सहयोग से एग्जामिनर एक, पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट्स रंगून के एक दफ्तर में अस्थायी क्लर्क की स्थायी नौकरी मिल गई पहले तो उसे पचास रुपये मासिक वेतन मिलता था किंतु तीन वर्ष के संतोषजनक कार्य के बाद उसका वेतन पैंसठ रुपये हो गया अतः उनके जीवन की अनिश्चितता एक प्रकार से समाप्त हो गई सरत ने वहाँ साहित्यिक सभा में हिस्सा लेने लगा और कुछ असहायों की भी सहायता करने लगा एक बार एक मिस्त्री उधार ना चुकाने के कारण अपनी लड़की की शादी एक वृद्ध से कर रहा था लड़की खुश न थी शरत ने धन चुकाने का भी आश्वासन दिया परंतु मिस्त्री ना माना वह बार बार सरत से कहता तुम कर लो शादी अतः शरत ने विवाह की पूरी रीति के साथ उसके साथ विवाह कर लिया एक वर्ष बाद एक लड़के ने जन्म लिया और विवाह के दो वर्ष बाद प्लेग की शिकार हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई शरत ने इस घटना शरत इस घटना से टूट गए, उनका लिखना पढ़ना छूट गया लेकिन इसी दौरान बंगाल में एक बंगाल में वे एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे इसी कारण रविंद्रनाथ ने कहा था कि उसे बंगाल में वापस लाओ उनके जोड़ का बंगाल में कोई और नहीं अब तक उनका चरित्रहीन उपन्यास प्रकाशित हो चुका था शरद के एक मित्र ने कहा कि अधिकारी की बेटी ब्याहने के योग्य हो गई है उसे तुम ग्रहण करो लेकिन वह नहीं माना इन्हीं दिनों वह ज्वर का शिकार हो गया इस बीमारी में उस मोक्षदा नाम की लड़की ने खूब सेवा की जब शरद की आंखें खुली तो वह सिरहाने बैठी हुई थी लड़की के पिता कृष्णदास ने शरद से कहा कि अगर तुम विवाह नहीं कर सकते तो मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं देश लौट कर इसकी शादी कर सकूं पैसे का प्रबंध ना हुआ कृष्णदास उस लड़की को वहीं छोड़ कलकत्ता आ गया उसी दिन से वह लड़की शरद के घर रहने लगी इस बात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह उनकी विवाहिता हुई या नहीं लेकिन घर में उन्हीं का अनुशासन चलता था शरद भी कुछ दिनों के बाद कलकत्ता में आ गए लगातार साहित्य सृजन में लगे रहते उनकी अधिकांश कहानियाँ यमुना नामक पत्रिका में ही छपती थी वे अब एक सम्मानित प्रतिष्ठित साहित्यकार हो गए थे उनके चरित्रहीन उपन्यास से बंगाल में खलबली मच गई कुछ लोगों ने विरोध किया कुछ ने प्रशंसा शरद ने सदा के लिए रंगून छोड़कर कलकत्ता में आने के बाद अपने परिवार को एकत्रित करने में कोई कसर ना छोड़ी पूरे बंगाल पर उनकी रचनाएं छा गई मानो उनके जीवन का युग आ गया है उनकी एक के बाद एक रचना प्रसिद्ध होने लगी श्रीकांत प्रथम पर्व देवदास निष्कृति चरित्रहीन काशीनाथ एकादश वैरागी श्रीकांत द्वितीय पर्व स्वामी दत्ता आदि के साथ साथ पत्रिकाओं में भी लेखन कार्य चलता रहा अब शरद की लोकप्रियता शिखर पर थी वे राजनीति विचारधारा में भी सहयोग देने लगे हाँ उनके विचार कहीं महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ से मेल नहीं खाते थे सरत अपनी कथाओं के माध्यम से राजनीतिक विचारों को व्यक्त कर रहे थे इसी का परिणाम है उनका पथेर दाबी उपन्यास जो क्रांतिकारियों के लिए गीता का काम कर रहा था ये दूसरी बात है कि उसकी लोकप्रियता देख अंग्रेज़ सरकार ने उसे जब्त कर लिया था लेकिन जब्त करने से पहले ही उनकी सारी की सारी पुस्तकें बिक गई थी वे अधिकतर क्रांतिकारियों का समर्थन ही किया करते थे एक बार उन्हें कहा गया कि एक क्रांतिकारी एक गुप्त संदेश लेकर आएगा और आलू ले लो की आवाज़ लगाएगा शरद दुविधा में पड़ गए कि क्योंकि कलकत्ता आने पर उन्होंने कभी अपने हाथ से सब्जी नहीं खरीदी थी आज यदि आलू वाले को बुलाते हैं तो अपने आप ही लोगों को शक हो जाएगा नियत समय पर आलू ले लो की आवाज़ आई उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस दोपहरी में व्यक्ति आलू बेच रहा है इससे खरीद लो जब उनकी पत्नी ने कहा कि उसने कल ही खरीदे हैं जो उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे कि आलू जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु नहीं है इसे दया धर्म का वास्ता देकर आलू वाले को खाना खिलाने के लिए तैयार कर लिया और किसी कार्य से उसे घर से बाहर भेज दिया ताकि इस क्रांतिकारी से वे बात कर सकें इस प्रकार वे अनेक संकट सहकर भी क्रांतिकारियों का साथ देते थे देशबंधु की मृत्यु के बाद उनका मन अधिक देर तक राजनीति में नहीं रम सका फिर फिर साहित्य पर अधिक ध्यान लगाने लगे अब उन्होंने कलकत्ता से दूर गांव में नदी के किनारे सुंदर मकान बना लिया था लेकिन वहां एक जमींदार के साथ झगड़ा हुआ जिससे उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े शरद की साहित्य सेवा को देखते हुए ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया और यह समाचार भी फैला फैलाया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है लेकिन वे पुरस्कार के लिए साहित्य ना रचते थे वे जन के लिए साहित्य रचते थे वृद्धावस्था में उन्हें कैंसर हो गया था परंतु फिर भी उनकी आत्मशक्ति कम ना हुई थी अंतिम समय में ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसा ना था किंतु मित्रों की सहायता और डॉक्टर भी कुछ पैसों की छूट पर उन्हें अंग्रेजी नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया वह नियम कायदे को निभाने वाले न थे डॉक्टर के मना करने पर भी वे चोरी चोरी तंबाकू का सेवन करते थे सेवन करते रहे डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को भाप लिया और ऑपरेशन करने के लिए विचार को विचार को त्याग दिया अतः 16 जनवरी रविवार सन 1938 को वे अपना पार्थिव शरीर यहीं छोड़ स्वर्गलोक चले गए इनके जाने से साहित्य की एक अपूर्णीय क्षति हुई उनके और रविंद्र के साहित्य की तुलना करता हुआ लेखक कहता है कि शरद की दृष्टि वर्तमान काल पर थी रविंद्रनाथ रविंद्र शाश्वत मानव के विराट चिटे थे शरद मात्र अन्याय का विरोध करते थे और वे किसी भी तरह मनुष्य को छोटा करके नहीं मानते थे पतिताओं पतिताओं में निहित नारित्व को उन्होंने प्रकट किया है यही उनका जीवन दर्शन था पर उनके नारी इसी देश के थे इसके विपरीत कवि गुरु चिरकाल के सत्य को आदर्श के रूप में बार बार देश और समाज के सामने स्थापित करते रहते थे अतः शरत महान साहित्यकार थे उनका सम्मान उनके समान बंगाल में दूसरा नहीं था आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों को इस अपराध का दंड पीठ पर चाबू खाना ही नहीं था अस्तबल में बंद होना था परंतु सरहद पर इन बातों को इन बातों का कोई असर नहीं होता था यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह चु, नहीं चूकता था अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था लेकिन दो घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो जाना हो आना स्वाभाविक था तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को दस मिनट आगे कर देते प्रस्तुत अवतरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित चंद चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा उपन्यास से अवतरित है शरद बचपन से ही आवारा शरारती घुमक्कर थे स्कूल में मित्रों की एक मंडली तैयार हो गई थी शरद उनमें प्रमुख थे पढ़ने लिखने में शरद तेज थे किंतु अपने सर इसी शरारती घुमक्करी स्वभाव से वे एक जगह टिक ना सके इसी कारण उनकी शिक्षा ठीक प्रकार से ना चल सकी शरद के मामा उनकी देखभाल करते थे एक दिन उनके मामा मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आब निकले जो उनके बड़े मामा थे उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा क्योंकि शरत ने अपने मित्रों के साथ मिलकर घड़ी को आगे कर दिया था इसी दंड के बारे में लेखक कहता है अगली पंक्ति न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि -कल में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा और तब उससे उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी मैं सूर्य गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा कि जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा सरत स्वच्छंद एवं शरारती स्वभाव के थे उन्हें एकांत प्रिय था बचपन में ही वे एकांत में जाकर बैठ जाते थे और न जाने कितनी कितनी देर बैठे क्या क्या सोचते रहते थे इसी बात का वर्णन करता हुआ लेखक बताता है लेखक बताता है कि शरत न जाने कितनी बार कुछ क्षणों के लिए अपनी शरारतों को छोड़कर इस गंगा नदी के पवित्र किनारे पर मौन एकांत में आकर बैठ बैठा होगा यह वातावरण शरत को प्रिय था और वह इसका आनंद लेने के लिए यहीं अनेक बार आकर मौन बैठता था और प्रकृति के सौंदर्य को निहारता था दूर से बच्चों की शरारतों का शोर और बहती गंगा की ध्वनि निश्चय ही एक रहस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करती होगी यह प्रकृति का सौंदर्य शरत के हारे थके उदास मन को सहलाता दुलारता होगा और उसमें संघर्ष करने की हिम्मत भरता होगा अगली पंक्ति सरद सुंदर नहीं था आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी वर्ण श्यामता की ओर था और देही भी दे थी खूब रोगी लेकिन पैर हिरण की तरह दौड़ने में मजबूत थे बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था बुद्धि भी तीक्ष्ण थी लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ही अधिक होता था लेखक विष्णु प्रभाकर शरद के आंतरिक गुणों पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि वह बाह्य रूप से सुंदर नहीं था शरद सुंदर नहीं था क्योंकि वह बंगाली था सामान्यतः बंगाली लोग श्याम वर्ण और उनके नाक नक्श तीखे होते हैं बेशक वे सुंदर नहीं पर उनकी आँखें सुंदर थी उनमें चमक थी इसी कारण उनका चेहरा आकर्षक हो गया था तभी तो लेखक ने लिखा है कि जो उन्हें एक बार देख लेता था वह उन्हीं की ओर खींचा चला आता था उनकी आंखों की चमक व्यक्ति को बांध लेती थी उनका रंग शामला था और शरीर में भी कोई रोग लगे हुए थे लेकिन उनके पैर हिरण की तरह दौड़ने में मजबूत थे बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ जाते थे अतः वे रोगों के होते हुए भी बड़े फुर्तीले थे उनकी बुद्धि तेज थी एक बात को सुनकर वह उसे बड़ी जल्दी याद कर लेते थे लेकिन उनके चरित्र में उच्च श्रृंखलता थी इसी कारण वे दिशाहीन हो गए थे उनके नाना नानी ने, ने उनको कठोर अनुशासन में रचना चाह नहीं रच, रह पाए और फलतः वे पथभ्रष्ट हो गए अपनी दिशा से भटक गए अगली पंक्ति विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था मैं जानता हूँ वे सभी साधु गृहस्थ और साध्वी गृहणियों थी गृहणियाँ थी अक्षर स्वर्ग लोक और सतील लोक उन्हें मिलेगा पर वह सपेड़े की लड़की जब एक पीड़ित और शैयागत रोगी को तिल तिल जीत रही थी उसके समय उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा मृत्युंजय हो सकता है एक तुक्ष आदमी एक तुच्छ आदमी हो किंतु उसके हृदय को जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था लेखक विष्णु प्रभाकर बताना चाहते हैं कि सरद चंद चट्टोपाध्याय की कहानियों का आधार व्यक्तित्व जीवन रहा है उसके व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं उन्होंने परंपराओं की जड़ मान्यताओं के विरुद्ध एक विलासी नामक कहानी लिखी थी लेकिन लोगों ने यह कहानी का मजाक उड़ाया था इसी संदर्भ में शरद के क्या विचार थे प्रभाकर जी व्यक्त करना चाहते हैं विलासी नामक कहानी के मूल में घटना है कि विलासी नाम की लड़की ने जो ने मृत्युंजय नामक सपेरे को सेवा से बचा लिया मृत्युंजय ने विलासी से विवाह कर लिया समाज के ठेकेदार यह सहन न कर सके और मृत्युंजय को जाति से बाहर कर दिया शरद का कहना है कि इसका विरोध करने वाले लोग स्वयं ग्राहस जीवन का निर्वाह करने वाले थे शादीशुदा थे उन्हें सामाजिक मान्यताओं को तोड़कर विवाह करना स्वीकार्य नहीं हुआ हाँ धर्म की जड़ मान्यताओं के अनुसार उनका विरोध करना धर्म एवं पुण्य का कार्य किया होगा भले ही उन्हें इस आधार पर निश्चित तौर से स्वर्ग मिले लेकिन यह मानवीयता का कार्य नहीं था रोगी और शैयागत मनुष्य की सेवा करने में जो पुण्य है उससे वे परिचित नहीं थे तिल तिल कर मरते हुए रोगी की सेवा करते हुए उसके हृदय को जीतने में जो गौरव है उससे आशीर्वाद पाने में जो गौरव है उससे वे अपरिचित थे शायद यह गौरव किसी ने भी आंखों से नहीं देखा उसे अनुभव नहीं किया शरद का कहना है कि हो सकता है मृत्युंजय तुच्छ व्यक्ति हो गरीब हो दीन हो छोटा हो लेकिन वह दुखी था पीड़ित था क्योंकि वह कष्ट में था और कष्ट में व्यक्ति अमीर गरीब नहीं होता केवल दुखी होता है अतः ऐसी हालत में उसकी सेवा कर उसके हृदय को जीतना तुच्छ कार्य नहीं है उसके हृदय को जीतने का आनंद भी तुच्छ नहीं है अगली पंक्ति माँ शब्द में जो कोमलता जो त्याग जो वात्सल्य और महान दायित्व गर्भित है उसी को मूर्त करने में उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है वह अपनी कोख से जाए के लिए ही जाए के लिए ही प्रकट नहीं होता बल्कि नारायणी विश्वेश्वरी हेमांगिनी बिंदों के समान उनके लिए भी अजृष्ट रूप से झड़ता है जो संतान स्थानीय होते हुए भी अपनी संतान नहीं हैं लेखक शरद की माँ के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि वह अमीर बाप माँ बाप की पुत्री होते हुए भी अपने पति के साथ अभाव और दरिद्रता में निर्मलता से दिन बिता दिन बिताती हुई अपने त्याग और बलिदान से शरद की पढ़ाई एवं लालन पालन में दायित्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेखक बताता है कि शरद की माँ एक संपन्न परिवार की कन्या होते हुए भी उसने जीवन भर कोई सुख नहीं भोगा उसने परिवार के दायित्व को पूरा करने के लिए एक एक करके सारे गहने बेच दिए वह शुद्ध भारतीय नारी का प्रतीक थी भारतीय संस्कृति के माँ शब्द में जो कोमलता माधुर्यता त्याग वात्सल्य बलिदान और दायित्व भावना समाहित है शरद की माँ भुवन मोहिनी ने उसी को वास्तविक जीवन में मूर्त करने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति खर्च कर दी उसके वात्सल्य भाव की एक विशेषता है कि वह न केवल अपने शरत के लिए झरता है वह तो नारायणी विश्वेश्वरी हेमांगनी बिंदु आदि अर्थात लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा आदि के समान सभी बच्चों के लिए झड़ता है चाहे वे बच्चे स्थानीय हैं या नहीं अपने संतान हैं यानी नहीं सभी के लिए समान हैं अगली पंक्ति उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था उसके बिना समाज सुधार ही सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती इसलिए राम मोहन राय ने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को हिंदू धर्म का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की उन्होंने इसी उद्देश्य से आत्मीय सभा की स्थापना की इस सभा में धर्म की चर्चा के अतिरिक्त जाति भेद समस्या सहमरण कुलीन प्रथा सहभोज निषिद्ध खाद्य समस्या बाल विधवा बहुविवाह और सती प्रथा आदि कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता था लेखक तत्कालीन धार्मिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करता है लेखक कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तराध में समाज सुधार का कार्य क्रांति का रूप लेता जा रहा था इस सामाजिक क्रांति के मूल में धार्मिक मानसिकता थी क्योंकि धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार होता है इसलिए उसके बिना समाज सुधार की कल्पना व्यर्थ है अंग्रेज़ों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म की बुराइयों को उजागर करना शुरू किया इस समय राजा राम मोहन राय सामने आए उन्होंने धर्म संस्कारों की ओर ध्यान आकर्षित किया हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश की वे जानते थे कि व्यक्ति और समाज की चेतना धर्म से ही प्रेरित होती है इसलिए सबसे पहले धार्मिक सुधारों की ही आवश्यकता है अगली पंक्ति ये आंदोलन जनता के मन के भीतर से होकर प्रकट नहीं हुए थे इसलिए व्यवहारिक रूप में समाज का एक छोटा सा भाग ही इनसे आंदोलित हुआ और शेष पुरानी रूढ़ियों से चिम चिपका रहा जो व्यक्ति सुधारक दल में शामिल हुए उन्हें पुरातन पंथियों ने जाति बहिष्कृत करके अपमानित और लांछित करने की चेष्टा की लेखक कहना कहता है कि सती प्रथा बाल विधवा सहमरण निषिद्ध खाद्य समस्या आदि बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन हुए वे जनता के मन से नहीं निकले थे उन्हें केवल धार्मिक सुधार के इच्छुक कुछ नेता ही थे इसलिए जो यह जागरूकता कुछ ही लोगों में आ पाई शेष लोग पुरानी रूढ़ियों से ही चिपके रहे बुराइयों को ही ग्रहण किए रहे धर्म के ठेकेदार अब भी पुरातन पंथी विचारों और जड़ मान्यताओं को प्रशय देते थे इसी कारण उन्हें सामाजिक धार्मिक सुधारकों आंदोलनकारियों में को आंदोलन अपमानित कलंकित करके जाति बहिष्कृत करना शुरू कर दिया अधिक सुधारक आंदोलनकारी उन्हें धर्म के विरोधी विद्रोही प्रतीत होते थे उनकी दृष्टि में तो सती प्रथा उचित थी बाल विधवा भी उचित थी तभी तो वे उन्हें जाति बहिष्कृत करते थे अगली पंक्ति समुद्र यात्रा करना पाप था छोटे भाई की पत्नी से बात करना पाप था नाच गाना क्लब पार्टी सब कुछ पाप था भागलपुर के प्रवासी बंगाली बिहार के मुंगेर आदि अन्य नगरों के बंगालियों की अपेक्षा अधिक कट्टर थे और इस दल के नेता थे शरद के नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय शास्त्र सम्मत आचार विचार उन्हें प्रिय था लेखक शरद के जीवन काल के प्रारंभिक दिनों की सामाजिक विचारधारा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि समुद्र यात्रा करना पाप है क्योंकि समुद्र यात्रा से व्यक्ति विदेश को गमन करेंगे और वहाँ के उचित अनुचित खाने पीने से अपने धर्म को भ्रष्ट करेगा अगर कोई ऐसा करता है तो समाज के जाति के समाज के जाति के धर्म के ठेकेदार उसे प्राश्चित करवाते और जाति बहिष्कृत बहिष्कृत भी करते थे उनकी दृष्टि में छोटे भाई की पत्नी से बात करना नाचना गाना क्लब पार्टी जाना आदि सब कुछ इस तरह का पाप था अतः धर्म के ठेकेदार समाज को व्यक्ति को धर्म के एक सीमित दायरे में बांधना चाहते थे इसी कट्टरता में भागलपुर के प्रवासी बंगालियों का विशेष योगदान था और इस कट्टरपंथी दल के मुख्य नेता शरद के नाना श्री केदारनाथ गंगोपाध्याय थे उन्हें यह धर्मगत आचार, आचार विचार अनुशासन प्रिय था अगली पंक्ति शरद के अभिनय में जो गंभीर संयम तेजस्विता और शोक प्रकट करने की भंगिमा थी वह कलकत्ता की शाले ने अभिनेत्रियों के उन्मत्त उच्छ्वासों में भी नहीं पाई गई थी राजू द्वारा पागलिनी के अभिनय को याद करके साठ वर्ष बाद भी लोगों को रोमांच आ जाता था शरद ने अपने मित्र राजू के साथ मिलकर आदमपुर क्लब की स्थापना की थी इस क्लब के नाटक विभाग ने अनेक नाटकों का मंचन किया था जिनमें मुख्य रूप से मृतनालिनी बिट बिटव बिट मंगल चिंतामणि पाना था पाना थे इनमें शरत ने भी सराह सराहनीय भूमिका निभाई थी या इसी भूमिका की प्रशंसा करता है बेशक शरत ने कहीं से अभिनय की शिक्षा ना ली थी फिर भी वह एक कुशल अभिनेता था मृतालिनी और पाना के नाटकों के मंचन के समय शरत ने जो अभिनय किया था उसमें जो स्वाभाविकता सात्विकता थी और उसकी गंभीरता संयम तेजस्विता को देखकर यह कहा जा सकता था कि ऐसा अभिनय विशेषकर शोक के क्षणों को प्रकट करने का अभिनय तो कलकत्ता की अभिनय शिक्षा प्राप्त अभ्यासरत प्रतिभा अभिनेत्रियां भाववेश के क्षणों में भी कर पाती थी राजू भी शरत के ही समान अभिनय कला में कुशल था उसने पाग पागलिनी नाटक में जो अभिनय किया था उसको साठ वर्ष बाद भी दर्शक याद कर रोमांचित होते हैं अगली पंक्ति इन सब कुसंगतियों स्वच्छंद और दुस्साहसपूर्ण प्रवृत्तियों के बावजूद इसकी साहित्य साधना मौन मंथर गति से आगे बढ़ रही थी दिन भर की यायावर वृत्ति के बाद रात्रि के एकांत में वह अपने पोथी पत्रे के बीच पहुंच जाता नौकरी करते समय भी इस नियम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा प्रारंभ में इस इसे कविता से प्रेम था परंतु कविता लिखने का धैर्य उसमें नहीं था यहाँ लेखक बताना चाहता है कि शरद ने एक बार एक महफिल में गाना गाया गाना सुनकर और शरद का मधुर कंठ देखकर वहाँ की बाई कहने लगी कि मैं पैसे क... पैसे के लिए गाती हूँ गाना मेरा पैसा है लेकिन आप क्यों मुसाहिबी करते हैं आप गुनी व्यक्ति हैं आपको यहाँ से चले जाना चाहिए शरत उस नौकरी को वहीं छोड़ देता है अगली पंक्ति एक समय होता है जब मनुष्य की आशाएँ आकांक्षाएँ अभी पर, अभिपेशाएँ मूर्त रूप लेना शुरू कर देती है और यदि बाधाएं मार्ग रोकती है तो अभिव्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग ढूंढ लेती है ऐसी ही स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत रहा था न साधन न स्नेह का वर्दहस्त न सहानुभूति ना, ना प्रोत्साहन की अमृतवाणी माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे जीवन में कोई मधुर और सरस रह ही नहीं गया था लेकिन उसमें कुछ कहीं कुछ ऐसा था जो अतिशय भावुक होने के बावजूद उसे जीवन से हार मानने नहीं दे रहा था अपने आक्रोश और आकांक्षाओं अभावों और आदर्शों को अभिव्यक्ति देने के लिए उसे माध्यम मिल गया था शरद की मां के देहांत के बाद उनकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया क्योंकि सहारा देने वाला कोई भी नहीं था और कोई बंधन भी ना था शरद के इसी वह संधि के दौर का वर्णन करता हुआ लेखक कहता है व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब उसकी आशाएं आकांक्षाएं इच्छाएं मूर्त रूप धारण करता करना चाहती है और मूर्त रूप लेना शुरू भी, भी कर देती है यह किशोरावस्था के तुरंत बाद का समय होता है इस अवस्था में दमन प्रक्रिया का भी प्रभाव नहीं चलता क्योंकि अगर आकांक्षाओं के मूर्तिकरण की दिशा में कोई बाधा आती है तो यह अपनी इच्छाओं को अन्य किसी मार्ग से पूर्ण कर लेता है ऐसी स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षा में बीत रहा था उस इस उपेक्षा के दौर में भी वह अनेक आशाएं लिए हुए था इन आशाओं को पूरा करने के लिए न कोई साधन था यहाँ तक कि माँ का स्नेह भी नहीं रहा अधन के अभाव में न कोई सहानुभूति ही प्रकट करता था और न प्रोत्साहन भरे शब्द ही कहता था माँ की मृत्यु के बाद तो जीवन की सारी मधुरता सरसता चली ही गई लेकिन उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने संघर्ष करने की शक्ति विद्यमान थी जो उन्हें हर दुख के अत्यधिक भावावेश के क्षणों में टूट भी प्रतिरोधों आघातों का मुकाबला करते रहने के लिए प्रेरित करती थी उसने अपने दुख आक्रोश आकांक्षाओं अभावों और आदर्शों को अभिव्यक्त करने के लिए एक साहित्य रूपी माध्यम मिल गया था वह साहित्य साधना में निरत हो गया था अगली पंक्ति सृजन के इन दिनों में वह आकंठ प्रेम में डूबा हुआ था इस आयु में हर युवक की आत्मा में प्रेम के लिए तरप जागती है विचारों और भावनाओं का जो तूफान उस समय उसके मन और मस्तिष्क को आलोडित करता रहता है उसकी कल्पना करना अत्यंत दुस्तर कार्य है कितनी विभिन्नता कितना विरोधाभास ना सही हार मास की प्रेमिका काल्पनिक प्रेमिका से भी तो यह नि भूमिका निभाई जा सकती है शरद की साहित्य लेखन प्रक्रिया कृशोरावस्था में ही आरंभ हो गई थी इस अवस्था में व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर कम कल्पना लोक में विचरण अधिक करता है इसी अवस्था में व्यक्ति प्रेम की आकांक्षा करता है इसी बात को अभयोक्ति लेखक करता है लेखक बताता है कि जिस अवस्था में शरद ने साहित्य रचना आरंभ की उस अवस्था में वह पूर्ण रूप से प्रेम में डूबा हुआ था यद्यपि इसकी प्रेमिका को कोई नहीं जानता लेकिन वह अपने मामा से कहता है कि मैं सचमुच एक लड़की से प्रेम करता हूँ ईसाइयु में ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इस उम्र में हर युवा के अंदर प्यार की प्यास जगती है इस समय में शरत या किसी भी युवा के मस्तिष्क में जो विचारों और भावनाओं का तूफान उठता है उसकी कल्पना करना भी कठिन कार्य है यह कितनी विभिन्नता है विरोधाभास है कि शरद को सचमुच में किसी का प्यार नहीं मिला उसे किसी हार्ड मास से बनी प्रेमिका का प्यार नहीं मिला उसकी तो काल्पनिक प्रेमिका थी उसका प्रेम मौन और रहस्यमय था वह वास्तविक प्रेमिका के अभाव को कल्पना की प्रेमिका से पूरा कर लेता था अगली पंक्ति लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है प्रत्युत, प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर न मिलने पर भी क्या प्रेम अपने आप में मधुर नहीं होता प्रेम में सफलता ही उसके होने का प्रमाण नहीं है मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित किया जा सकता है इस वेदना को स्नेह कहो प्रेम कहो आयु का दोष कहो पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता उसमें प्रेम की भूख अपार है लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं यहाँ लेखक बताना चाहता है कि शरत किशोरावस्था में ही लेकिन उसे स्नेह का अभाव है फिर भी वह कल्पना की प्रेमिका से प्रेम करता है लेखक कहता है कि युवावस्था में प्रत्येक युवक के हृदय में प्रेम की प्यास जाग उठती है वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चाहता है शरद जैसे कुछ युवक ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता और वे काल्पनिक पात्र से ही प्यार करते हैं उन्हें बस यह तृप्ति मिलती है कि वे प्यार करते हैं इसी एक तरफी प्यार के बारे में लेखक प्रश्न करता है कि क्या एक तरफी प्रेम में शक्ति कम होती है वह भी व्यक्ति को शक्ति एवं प्रेरणा दे सकता है जैसे द्विपक्षीय प्रेम देता है क्या प्रेम अपने आप में मधुर नहीं होता प्रेम की सफलता की कामना लिए बगैर ही प्रेम किया जाता है प्रेम के मूल में त्याग समर्पण एवं देने का भाव है जिसमें यह भाव विद्यमान है यह किसी के भी प्रति स्वयं को समर्पित कर सकता है इसी प्रेमावस्था में व्यक्ति के हृदय को एक मधुर सी वेदना सहलाती रहती है जिसे स्नेह कहो प्रेम कहो या फिर युवावस्था का दोष कहो लेकिन प्रेम के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता शरत में भी प्रेम की भूख है तड़प है लेकिन इस भूख को दूर करने का कोई भी साधन उसके पास नहीं है अगली पंक्ति इस पलायन के साथ उसके जीवन रूपी नाटक का एक अंक जैसे समाप्त हो गया उसकी आयु 26 वर्ष की हो चुकी थी यौवन का सूर्य मध्यावकाश में था लेकिन जैसे ठंडे और घने कोहरे ने उसे आच्छादित कर लिया था श्रीकांत की तरह दूसरे की इच्छा से दूसरे के घर में वर्ष के बाद वर्ष रहकर वह अपने शरीर के कैशौ कैशौर्य को यौवन की तरह और ढकेलता रहा था लेकिन मन को न जाने किस रसातल में खदेड़ता रहा माँ की मृत्यु के बाद शरद का पिता के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया वह सब कुछ छोड़ बिना किसी को बताए रंगून चला गया वह नहीं जानता था कि वह फिर कभी भारत वापस आएगा या नहीं लेखक कहता है कि शरद का रंगून जाना विषय परिस्थितियों से पलायन था रंगून जाने से उसके जीवन का एक अंक समाप्त हो गया मानो उसकी उच्च श्रृंखलता स्वच्छंदता प्रेम की तरफ भी खत्म हो गई उसकी उम्र छब्बीस वर्ष की हो गई थी वह पूर्ण रूप से युवा हो गया था लेकिन युवावस्था की सारी इच्छाएं कामनाएं आकांक्षाएं अभाव के बादलों ने ढक ली थी जिस प्रकार सूर्य की किरणों के स्वाभाविक विकास को घना कोहरा रोक लेता है उसी प्रकार उसके यौवन की खुशियों में विकास की समस्याओं अभाव एवं उपेक्षाओं के घने कोहरे ने ढक लिया था वह अपने ही नायक श्रीकांत की तरह सदैव ही दूसरे की इच्छा से दूसरे के घर में रहा कभी नाना का घर कभी मित्र का कभी किराए का लेकिन कभी अपना ना हो सका वह शरीर से युवा होता जा रहा था लेकिन उसकी युवा अवस्था की जो इच्छाएं आकांक्षाएं थी उन्हें रसातल में धकेल रहा था अर्थात उनका दमन कर रहा था अगली पंक्ति ठाकुर ने कहा है समुद्र में रत्न है यत्न करने की आवश्यकता है संसार में ईश्वर है साधना करनी चाहिए काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना हो चाहो तो को, कोई काई को हटाना होगा इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते सबसे पहले माया से मुक्त होना होगा यहाँ लेखक शरद के रंगून में जाने के बाद का वर्णन करता है रंगून में जाने के बाद उन्होंने फिर से काव्य गोष्ठियों सभाओं आदि में भाग लेना शुरू कर दिया वह अपने को निरीश्वरवादी कहता था वह रामकिशन मिशन के स्वामी राम कृष्णानंद के संपर्क में आया वह उनके अनेक प्रश्नों का समाधान करता था एक बार शरद ने स्वामी जी से पूछा कि आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते तो स्वामी जी ने उसके प्रत्युत्तर में कहा कि स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्न हैं परंतु उन्हें खोजने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है उसी प्रकार ईश्वर भी संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं उसे साधना द्वारा तो खोजने की आवश्यकता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग एवं तपस्या करनी पड़ती है यदि कोई से ढक काई से ढके तालाब से जल निकालना है तो काई को हटाना ही होगा नहीं तो निर्मल जल नहीं मिल सकता ठीक इसी प्रकार माया से ढकी आँखों से हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते अगर दर्शन करना चाहते हो तो अपनी आँखों से माया का आवरण हटाना होगा अज्ञानता की स्वार्थ स्वार्थता की पट्टी को उतारना होगा अगली पंक्ति इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह वा तो वास्तविक दुःख नहीं है वह तो उसकी दीक्षा है सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है व्यथारूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है दुख ही सबसे बटके इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है नहीं तो उसको याद ही क्यों करोगे उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे सरस स्वामी रामा नंदे से पूछ प्रश्न पूछता है कि सुना जाता है कि प्रभु मंगलमय है फिर संसार में इतना दुख क्यों है इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं इस संसार में जिसे हम दुख कहते हैं वह दुख नहीं है वह तो व्यक्ति की परीक्षा है व्यक्ति दुखों का कष्टों का सामना करके ही सुखों को प्राप्त करता है दुखों को सहन करना ही उसकी महानता है वास्तव तो में सुख आते ही व्यक्ति प्रभु के वरदान को उसकी महत्ता एवं प्रभुता को भूल जाता है दुख में ही व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है इसी कारण वह दुख में भावनात्मक रूप से प्रभु से जुड़ा रहता है अतः दुख इस पृथ्वी को की सबसे प्रिय वस्तु है अगर दुःख नहीं है तो व्यक्ति प्रभु को याद ही नहीं करेगा और इसका स्मरण नहीं करोगे या दुःख नहीं होंगे तो उसकी महिमा को कैसे जान पाओगे दुख में ही व्यक्ति स्वयं को लघु समझता है और स्वयं को लघु समझने से ही उसकी महिमा को जानने का अवसर प्राप्त करता है अगली पंक्ति पूर्वजन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों में अंशों से उसका संबंध है जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं देव तथा पुरुषकार एक ही हैं एक को छोड़कर दूसरे गति नहीं इसलिए देव की साधना में पुरस्कार आवश्यक है इसी तरह पुरस्कार साधना में देव या भगवत कृपा आवश्यक है स्वामी जी कहते हैं कि अदृष्ट जिसे भाग्य कहते हैं वह और कुछ नहीं है वह पूर्वजन्मों के अर्जित कर्म पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जीवन के किसी अंश पर प्रभाव पड़ता है जिसे हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं व्यक्ति सुखी है या दुखी अमीर है या गरीब यह सब जन्म के कर्मों का फल है इस फल, है इस फल का निर्माण व्यक्ति के हाथ में है क्योंकि जन्म के कर्मों का फल वर्तमान जन्म में भोगता है और वर्तमान जन्म के कर्मों का फल आगत जन्म जन्म में भोगता है अगर वर्तमान जीवन को नहीं तो अगर वर्तमान जीवन को नहीं तो भविष्य के भाग्य को सुधारा जा सकता है एक और उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि देव और पुरस्कार एक ही हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं देव ही पुरस्कार में इस संसार में आते हैं अतः ब्रह्म अथवा भगवान की साधना के लिए अनेक अवतार की साधना आवश्यक है तथा अवतारों की साधना करने से करने के साथ ही देव की उपासना भी आवश्यक है पुरस्कार उस अलक्ष्य का ही एक रूप है अगली पंक्ति धर्म का संबंध मन से है गेरुआ ना पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है मनुष्य मन से ही बंधन में आता है मन के कारण ही मुक्त होता है इसलिए पहले मन चाहिए बाद में बाहर की सहायता मन यदि अच्छा है तो बाहर के गिरवा वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी स्वामी जी शरद को कहते हैं कि धर्म का संबंध मन से है बाह्य उपकरण केवल साधन है साध्य नहीं पीले वस्त्र तिलक माला इत्यादि ग्रहण किए बिना ही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकता है वह भगवत भक्ति कर मोक्ष पा सकता है मनुष्य मन से ही बंधन मानता है मन के बंधन को बाह्य वस्त्र नहीं मुक्त कर सकते हैं मन का बंधन तो मन से ही दूर हो सकता है इसी कारण पहले मन से मुक्त होना होगा तभी बाह्य उपकरण पीले वस्त्र आदि मुक्ति में सहायता कर सक कर सकते हैं मन मुक्त है तो बाह्य उपकरण सहायता करेंगे नहीं तो ढोंग ही कहलाएंगे इसलिए पीले वस्त्र पहने बिना व्यक्ति साधना कर सकता है साधु बन सकता है यदि वह मन से साधु है उसके विचार पवित्र एवं लोक कल्याणकारी हैं तो वह सच्चा साधक है वरन निरा भी धोखेबाज है अगली पंक्ति धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया एक और नया प्राणी उसके संसार में आ पहुंचा। शिशु की किलकारियों से वह घर गूंजने लगा जो अब तक प्यार और सहानुभूति के अभाव में निराश्रित होकर भटकता रहा जिसने सदा उन्हीं स्थानों पर आश्रय पाया जो भले मानुषों के लिए वर्जित थे उसके जीवन में पत्नी का प्यार और शिशु की किलकारियाँ कितने कितना और कैसा अप्रत्याशित सुख पाया उस आवारा व्यक्ति ने शरत ने रंगून जाकर शांति के साथ शादी कर ली यहाँ उसके उसी वैवाहिक जीवन का वर्णन करता है धीरे धीरे विवाह को एक वश हो गया एक पुत्र का घर में जन्म हो गया घर खुशियों से भर गया एक नन्हा शिशु आंगन में किलकारियाँ मारता तो माता पिता आनंद विभोर होते थे अब तक शरद का जीवन सहानुभूति के अभाव में बीता था प्यार की प्यास सदैव शरद को तरफ पाती थी वह सदा निराश्रित होकर भटकता रहा सदा दूसरों के घर दूसरों की इच्छा से ही जीना पड़ा उसने सदैव वही आश्रय पाया था जहाँ भले व्यक्तियों के लिए रहता अच्छा ना समझा जाता था उसे सभी आवारा चरित्रहीन समझते थे ऐसे आवारा व्यक्ति के जीवन में अब शिशु की किलकारियों और पत्नी के प्यार से मानो एक स्थायित्व तो आ गया उसके जीवन की मानो सारी इच्छाएं पूरी हो गई उसे यह सुख अप्रत्याशित था उसने जिस सुख की कामना की थी वही उसके सामने आ गया था अगली पंक्ति जो कुल को त्याग कर आती है उस उनमें से अस्सी प्रतिशत प्राय सदभाएँ हैं विधवाएँ बहुत ही कम हैं प्रति पति के जीवित रहने से ही क्या और कड़े पहरे में रखने से ही क्या और विधवार होने से भी क्या अनेक दुखों से नारी अपना धर्म नष्ट करने को तैयार होती है और जिस इस जिस लिए होती है वह पर पुरुष का रूप नहीं किसी विभत् से प्रवृत्ति का लोभ नहीं किसी बात से अपने को मुक्त करने के लिए ही इसी इस दुख को सिर पर उठा लेती है रंगून में जाने के बाद शरद साहित्य साधना में लग गए लोग यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि शरद इतना बढ़िया लिख सकते हैं लेकिन जब उन्होंने नारी का इतिहास लिखा जिसमें बंगाल में कुल त्याग करने वाली भिन्न भिन्न जिलों की सात सौ अभागिन नारियों के करुण जीवन की कहानी अंकित की अंकित थे। शरत ने नारी का इतिहास लिखने के लिए देश विदेश के इतिहास का मंथन करना पड़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो महिलाएं कुल त्याग कर अर्थात घर से भागकर आती हैं उनमें से अस्सी प्रतिशत महिलाएँ होती हैं प्रायः यह माना जाता है कि विधवाएँ ही शारीरिक शुद्ध के लिए ऐसा कार्य करती है परंतु सरत ने कहा कि इनमें से विधवाएं बहुत कम थीं उसने नानी के घर छोड़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण खोजा कि पति जिंदा हो मर गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता विधवा हो कोई फर्क नहीं पड़ता पर पर पुरुष के साथ सोने की इच्छा से नहीं और ना ही अन्य घृण ग्रिन, घृणियों घृणीय ग्रिन्य प्रवृत्तियों के कारण वह अपने ऊपर हो रहे अमानवीय व्यवहार के कारण पशुत्व व्यवहार के कारण अपने को मुक्ति की आकांक्षा से गृह त्याग करती है अपने बंधनों को तोड़ने के लिए वह धर्म व्रष्ट होने का पाप भी अपने सिर पर उठा लेती है अगली पंक्ति कविता के मूल में कल्पना होने से ही वह महान नहीं हो जाती सत्य की उपलब्धि होनी ही चाहिए तभी साहित्य की सृष्टि होती है सहानुभूति की उष्मा से जो वस्तु क्लिष्टता को सरलता में बदलती है उसकी उपलब्धि अंतर से ही हो सकती है नहीं तो कविता को समझने की चेष्टा विडंबना मात्र है शरद की आंखें रविन्द्रनाथ ठाकुर की जीवने यथ पूजा हल ना सारा कविता पढ़कर भीग गई शरद भीगे नैनों से कहने लगे कविता के मूल में कल्पना ही होती है परंतु मेरा मेरी कल्पना कभी प्रभावशील नहीं होती विचारों तेजक एवं मर्म स्पर्शी भी नहीं होती केवल कल्पना के समावेश से ही कविता महान नहीं होती उसमें सत्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कविता में मानव मूल्यों की व्याख्या के माध्यम से सत्य की उपलब्ध सत्य की उपलब्धि होनी चाहिए तभी सत्य साहित्य का निर्माण होता है ऐसा होने से कविता में कठिनता नहीं रहती वह सार्वभौमिक सत्य को वहन करने वाली बन जाती है अगली पंक्ति समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका घा गा, काम घावों की चिकित्सा करना है वह क्या किसी की सुनता है जो पक गया है उस बांधे रखना उसे बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होगी केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का एक और महत्वपूर्ण काम है वह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा आस्टिन मेरे कांटेली एवं सारा ग्रैंड ने समाज के अनेक घावों पर से पर्दा उठाया है ठीक करने के लिए केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने अथवा मनोरंजन करने के लिए नहीं शरद ने एक उपन्यास चरित्रहीन नाम से लिखा था जिसका साहित्य एवं समाज में बहुत विरोध हुआ इस पर लेखकों संपादकों आलोचकों यहाँ तक कि युवाओं ने भी अश्लील का आरोप लगाया शरत इसी आरोप के प्रत्युत्तर में भी में श्री हरिदास चट्टोपाध्याय को एक पत्र में लिखते हैं शरत को समाज की यह मान्यता स्वीकार नहीं है कि व्यक्ति नग्न नहीं हो सकता शरत प्रश्न करते हैं कि यदि कोई अंग विशेष घायल हो तो क्या उसे भी छिपा कर रखना चाहिए यह उचित नहीं है समाज में अनेक बुराइयाँ व्याप्त है उन्हें मात्र दिखाना अच्छा नहीं वह अश्लीलता कहीं जाएगी परंतु यदि उस बुराई को दिखाकर उसे दूर करने के उद्देश्य से केवल लेखक यदि किसी पुस्तक की रचना करता है तो वह अश्लील नहीं माननी चाहिए जिस प्रकार एक डॉक्टर घाव के स्थान पर दवाई इत्यादि लगाता है उसी प्रकार एक साहित्यकार समाज के किसी घाव पर मरहम लगाना चाहता है यदि डॉक्टर से घाव छिपाएंगे तो रोगी को लाभ नहीं होगा इसी प्रकार यदि सामाजिक बुराइयों को छिपाएंगे तो इससे उनका बढ़ना नहीं रुक सकता अपितु और ज़्यादा फैलेंगी साहित्यकार का कार्य केवल सौंदर्य की सृष्टि करना नहीं है और ना ही केवल मनोरंजन करना है बल्कि उसका जीवन एवं समाज के प्रति दायित्व है जिसका निर्वाह उसे अवश्य ही करना चाहिए उसका साहित्य में उद्देश्य समाज कल्याण अथवा लोकहित होना चाहिए अगर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे समाज की बुराई दिखानी पड़े तो उन्हें निसंकोच दिखाना चाहिए लेखक बताना चाहता है कि विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार भी समाज की बुराइयों को उघारते हैं उनका कहना है कि ख्यात साहित्यकारों ने बुराइयों का चित्रण केवल चमत्कार उत्पन्न करने समाज के भयभीत करने अथवा मात्र मनोरंजन के लिए नहीं किया उन्होंने तो समाज की बुराई को निकालने के लिए किया है इसलिए यदि चरित्रहीन नायिका चरित्रहीन की नायिकाओं नायिका पुरुषों के वेश में आकर पुरुषों के वेश में नौकरी करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं अगली पंक्ति लेखक रूप में प्रसिद्ध होने पर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी उसके साथ ही अब उपेक्षा से उसे चिढ़ाते नहीं थे उसके विपरीत जब भारत से स्वदेशी आंदोलन के नेता श्री सुरेंद्र नाथ सेन रंगून आए तब उनकी अभ्यार्थना के लिए जो सभा आयोजित की गई उसके सभामति के पद पर उसी को बिठाया गया जीवन में पहली बार वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था तब वह कितना नर्वस हो उठता था शेर डेढ़ शेर की माला उसके गले में पड़ी थी उसके भार से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था देखकर दया आती थी इस समय तक शरद एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे वे विराज बहू लिख रहे थे उसको लिखने के बाद उन्होंने अपने मित्रों को सुनाया ताकि विचार विमर्श से उचित संशोधन किया जा सके इसी बढ़ती प्रतिष्ठा का लेखक विष्णु प्रभाकर यहाँ वर्णन करता है सरत एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था साहित्य समाज के साथ साथ अन्... उनकी अन्य वर्गों में भी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी किसी समय उसके मित्र उसकी हंसी ठिटोली किया करते थे लेकिन अब वे उसकी उपेक्षा नहीं करते यही नहीं भारत से स्वदेशी आंदोलन के नेता जी सुरेंद्र नाथ सेन रंगून पहुँचे थे तो उनके स्वागत के लिए एक सभा बनाई गई उस सभा का सभापति शरद बाबू को ही बनाया गया इससे शरद को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि वह सोचता था कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर वह भीतर ही भीतर छोटा पड़ने लगता लगा वह सोचने लगा कि अध्यक्ष का पद लेकर उसने गलती की है उसके गले में सैकड़ों व्यक्तियों ने फूलों की मालाएं डाली उसका स्वागत किया पहली ही बार तो उसने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी गले में पड़ी मालाओं में सेड़ डेढ़ सेर का वजन था इस वज़न के कारण उसे सीधा खड़ा होने में भी परेशानी हो रही थी उसकी इस उसकी इस परेशानी को देखकर उस पर दया आ रही थी कि कितना दुबला पतला व्यक्ति कैसे इस सारे बोझ को सहन कर रहा है अगली पंक्ति मान और साक्षी की आवश्यकता शायद ही पड़ी हो लेकिन इसमें भी तनिक संदेह नहीं है कि इन कहानियों के पीछे किसी न किसी रूप में उसकी अनुभूति होती थी और अनुभूति के ये स्रोत उसे सहज भाव से मिल भी जाते थे वही दृष्टि तो उसका मूलधन थी शरद को किसी गोष्ठी में शामिल होने से मैं विशेष आनंद मिलता था अनेक साहित्यकार प्रतिदिन यमुना के कार्यालय में इकट्ठे होते थे शरद भी उनमें शामिल होता था ये साहित्यिक चर्चा की बजाय हंसी मजाक किए करते थे शरद अपनी कोई ताजा कहानी सुनाता तो ये लोग उनसे मनगढ़त कहते थे उसके उत्तर में शरद कहता कि यह सच्ची घटना है और इसके साक्ष्य एवं प्रमाण देने के लिए भी तैयार हो जाता था यही वर्णन लेखक विष्णु प्रभा का यहाँ पर कर रहा है अगली पंक्ति पल्ली समाज में केवल दुख दैन्य से पीड़ित संकीर्ण सांस्कृतिक घेरे के भीतर बंधे हुए परस, परंपरा प्रचलित कुसंस्कारों से घिरे हुए बंगाल के निम्न मध्यवर्गीय देहाती समाज का सीधा साधा यथार्थ चित्रण है शरद का बचपन और यौवन का भी कुछ समय गांव में ही कटा था गांव को वह प्यार करता था उसी के आधार पर उसने इस पुस्तक की रचना की यहाँ लेखक विष्णु प्रभाकर प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखित पल्ली समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है शरद की पल्ली समाज रचना में बंगाल के निम्न मध्य वर्ग के सीधे साधे भोले भाले लोगों का चित्रण किया है इस वर्ग के लोग केवल दीनता और दुखों से परेशान ही नहीं थे परंतु कुछ और भी ऐसी बातें थीं जिनके कारण उन्हें दुख उठाना पड़ता था वे परंपरा से ही बुरे संस्कारों में फंसे हुए थे बंगाल का देहाती समाज कितना पीड़ित है दुखी है और कुंस्कारों को ढोने को विवश है इसी बात का चित्रण इस पुस्तक में यथार्थ के साथ किया है शरद का बचपन और यौवन कुछ समय के लिए गांव में बीता था इसलिए वह गांव की गली गली से प्रेम करता था इसी बात के आधार पर उसने इसकी रचना की है अगली पंक्ति हर प्राणवान व्यक्ति की यही स्थिति यही नियति होती है जिस गांधी को लोगों ने संत कहा उसी गांधी को ढोंगी दम्भी धोखेबाज तक कहा गांधी की ही ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ हो सकता था सब कुछ होने के लिए ही हिया चाहिए वह हिया शरद के पास भी था उसने जीवन में बहुत दुख भोगा था बहुत सा पाप भी किया था पर उससे ऊपर उठाकर उठकर उसे अभिज्ञता में रूपांतरित करने की प्राण शक्ति भी उसमें थी क्योंकि वह मात्र भोगता ही नहीं दृष्टा भी था यहां लेखक शरद के उस जीवन में एवं संघर्ष का वर्णन करता है जिस समय शरद धीरे धीरे साहित्यिक के रूप में प्रसिद्ध पा रहे थे और कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे कोई उन्हें कट्टर हिंदू कहता कोई उसे नास्तिक कहता उसे लेकर विडंबना वितंड वितंडावाद चलता रहा शरद का कहना है कि हर शक्तिशाली महान पुरुष की यह नियति है कि लोग उसके विषय में विभिन्न विवाद खड़े कर देते हैं उस पर विभिन्न आरोप लगाते हैं गांधी जी का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि उन्हें कुछ लोग संत कहते हैं कुछ महात्मा कहते तो कुछ उन्हें दम्भी धोखेबाज ढोंगी कहते थे गांधी के हृदय में यह क्षमता थी कि वे इस प्रकार की सारी उपेक्षाओं का पचा सक उपेक्षाओं को पचा सकते थे और पचा भी सके गांधी ही एक ऐसा व्यक्ति है व्यक्ति था जो सब कुछ एक साथ हो सकता था अच्छा बुरा एक साथ सब एक साथ सब कुछ एक साथ होने के लिए शक्ति धैर्य सामर्थ्य और हृदय की विशालता चाहिए वह गांधी के पास भी वह गांधी के पास भी और यह शरद के पास भी थी शरद भी किसी की दृष्टि में अत्यंत नीच पतित एवं चरित्रहीन था तो किसी की दृष्टि में देवता समाज का कल्याणकारी मसीहा था इसी कारण उसे समकालीन लेखकों ने आवारा मसीहा कहा था उसने अपने जीवन में बहुत से दुख सहे पाप किए परंतु वह पापी नहीं था वह इस तरीके से जीवन के अनुभवों का रस ग्रहण कर रहा था अगली पंक्ति समाज में शरद चंद अभी भी विद्रोही आचारहीन और अनिश्वरवादी के रूप में प्रसिद्ध थे प्रसिद्ध थे लेकिन वह थे वास्तव में एक धर्म मानव उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकार की है किसी किसी ने ऐसा भी कहा मल्लेच भावापन्न मैं ठीक ठीक हिंदू नहीं हूं हिंदू धर्म पर मैंने कभी भी कटाक्ष नहीं किया केवल उसकी पर ही आक्रमण किया है यहां लेखक विष्णु प्रभाकर शरद के व्यक्तित्व की व्याख्या करता हुआ कहता है शरद चाहे कितने ही भलाई के काम करने लग गया हो लेकिन लोगों की सेवा करता हो दुख सुख में उनके काम आता है लेकिन लोगों की उसके विषय में जो धारणा बन चुकी थी अब वह अब भी दूर नहीं हुई थी उनकी नज़र में वह अब भी शराब पीता है वैश्याओं के पास जाता है मिस्त्री पल्ली में छोटे आदमियों के पास रहता है अतः उनकी नज़र में वह विद्रोही चरित्रहीन एवं ईश्वर को ना मानने वाला है लेकिन वास्तव में वह वा मानवतावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था तभी तो वह वैश्याओं का पक्ष लेता था इसी कारण धर्म के ठेकेदार उसे चरित्रहीन कहते थे वास्तव में वह वा धर्म से डरने वाला था हिंदू धर्म पर उसे पूर्ण विश्वास था लेकिन वह हिंदू धर्म एवं समाज की बुराई का उद्घाटन करता था इसलिए लोग उसे मल्लेच प्रवृत्ति व्यक्ति कहते थे उसे शुद्ध हिंदू नहीं मानते थे शरद स्वयं कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म पर भी पर कभी भी कुठा कुठार कुठाराघात नहीं किया उन्होंने उसकी कुप्रथाओं पर ही कुठाराघात किया है उसके अनुदार भावों पर ही प्रहार किया है इसी कारण कट्टरपंथी का उसके विरोधी हो गए और उसको विद्रोही कहने लगे जबकि स्वयं शरद कहता है कि मेरे गले में कंठी की माला है संध्या किए बगैर मैं जल ग्रहण नहीं करता जिस किसी के हाथ का पानी नहीं पीता फिर भी लोग यह मानते हैं कि शरद ठीक ठीक हिंदू नहीं इसका मतलब लोगों को अपनी मान्यताएं बदल लेनी चाहिए अगली पंक्ति वे रूढ़ियों और कुरीतियों अंध परंपराओं और मूड विश्वासों के विरोधी थे धर्म की मूल स्थापनाओं के नहीं समाज के ही निषेधों के कारण सती ना रहने पर भी वे यह नहीं मानते थे कि यह अस्थि नारी ही नहीं रही यह संकीर्ण भेद बुद्धि ने उन्होंने त्यागी थी क्योंकि इससे मनुष्य धर्म का अपमान होता है वे मानते थे जब परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य ऐसा कुछ कर बैठता तो बैठता है तो तत्कालीन धर्म और समाज की दृष्टि में बुरा चाहे हो पर मनुष्य सचमुच बुरा नहीं हो जाता शरद धर्म के मिथ्याचारों आडंबरों का सदैव ही विरोध करते थे लेखक यहाँ पर उनके इसी विरोध तेवर को व्यक्त करता है शरद ने कभी भी सनातन धर्म की मर्यादाओं की अवहेलना नहीं की उन्होंने तो जनेयु तक का समर्थन किया है किंतु वे धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विरोधी थे अंधविश्वासों अंधपरम्पराओं जड़मान्यताओं के विरोधी थे उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना में इन पर तीव्र कुठाराघात किया किंतु धर्म की मूल स्थापनाओं का उन्होंने विरोध नहीं किया बल्कि उनका समर्थन ही किया वे सतीत्व की अपेक्षा नारी के स्वाभाविक गुणों को अधिक महत्व देते उनका मानना है कि समाज के निषेधों बंधनों के कारण यदि कोई स्त्री अपना सतित्व सतित्व बचाए नहीं रखती तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका नारित्व ही समाप्त हो गया यदि वह स्त्री सतित्व से विचलित हुई तो अवश्य ही उसकी परिस्थितियों ने उसे विवश किया होगा अतः उसका नारीत्व तो अक्षय है वे धार्मिक संकीर्णता जो भेदभाव को जन्म देती है नहीं मानते क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य से घृणा करें यह मनुष्यता मानवीयता नहीं है यदि परिस्थितियों से विवश होकर व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे समाज अथवा धर्म स्वीकार नहीं करते तो इसमें उसका कोई दोष नहीं दोष है उसकी विषम परिस्थितियों का वह व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं हो जाता क्योंकि उसका मनुष्य उसकी मानवता फिर भी नहीं मरती फिर भी वही वही भी नहीं वह भी नहीं मरता हाँ मरता तब जब इस भूल के कारण उसका अपमान किया जाता है उसे दंडित किया जाता है मनुष्य के बाह्य रूप का अतिक्रमण कर उसके भीतरी विचार एवं स्वतंत्र भावना को देखा जाता है बाहर से जो पीड़ित हो यह पतन सत्य है कि किंतु केवल सत्य यह है कि बाहर के इस पतन के भीतर वह अपने नारित्व को बचाए रखें बाहरी एवं दोनों भीतरी दोनों ही मनुष्य के रूप हैं और इन दोनों रूपों की सच्ची अभिव्यक्ति को ही यथार्थवाद कहते हैं अगली पंक्ति कृतिकार का जीवन उसका अपना अपना होता है उस पर आक्षेप करने से क्या लाभ उसका मूल्य तो उसकी कृति से आंकना चाहिए परंतु मनुष्य तो स्वभाव से छिंद्रा छिंद्रानवेशी है ढूँढने पर दोष भी दोष ना भी दिन मिले तो वह कल्पना कर सकता है लेखक का कहना है कि, कि किसी भी साहित्यकार की रचना से उसका जीवन नहीं मिलना चा, मिलाना चाहिए यह सत्य है व्यक्ति अपनी रचना में अधिकांशता व्यक्ति ही करता है यह भी सत्य है कि कृतिकार का अपना एक अस्तित्व होता है वह भी समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसमें भी अच्छाइयों के साथ साथ कोई बुराई भी हो सकती है लेकिन समाज के लोग इस बात को नहीं मानते वे तो स्वभाव से ही बुराइयाँ ढूंढने लगते हैं दूसरों के छिद्रों अर्थात कमजोरियों का अन्वेषण अर्थात खोज करना व्यक्ति को अच्छा लगता है अगर उसे किसी में दोस्त ना मिले तो उनकी कल्पना कर लेता है अगली पंक्ति राजनीति में योग देना देशवासियों का कर्तव्य है विशेषकर हमारे देश में यह राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है इस आंदोलन में साहित्य साहित्यिकों को सबसे आगे बढ़कर योग देना चाहिए लोकमत जागृत करने का गुरु भार संसार के सभी देशों में साहित्यकों पर ही रहा है युग युग में उन्होंने ही मनुष्य के मन में मुक्ति की आकांक्षाएं जगाई है अनेक लोग शरद को कहते हैं कि आपका काम साहित्य चर्चा करना है ना कि राजनीतिक चर्चा करना इसके प्रत्युत्तर में शरद कहता है कि वर्तमान पराधीन स्थिति में प्रत्येक देशवासी का यह परम कर्तव्य है कि वह राजनीति में योगदान दे तथा तो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ कर हिस्सा ले यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है यह तो देश को स्वतंत्र कराने वाला आंदोलन है अन्य किसी राजनीतिक आंदोलन में व्यक्ति भाग लेने ले या ना ले लेकिन देश की स्वतंत्रता के विषय में दो राय हो ही नहीं सकती इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर प्रत्येक साहित्यकार का विशेष कर्तव्य है कि वह इसमें भरपूर सहयोग करे अगली पंक्ति युग युग से जो घर से बाहर नहीं निकली रसोई और प्रसूति घर से घर के अतिरिक्त जिनका और कोई कर्म क्षेत्र नहीं रहा उनमें से स्वाधीनता के सहस्त्रों सैनिक कहाँ से आएंगे लेकिन कमल कीचड़ से ही फूटता है एक दिन देश के अंतपुर से ही वह फूटेगा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी भाग लेना चाहती थी स्त्रियां स्त्रियां स्त्रियों की इस व्याकुलता को देखकर देशबंधु चितरंजन दास ने आंदोलन में स्त्रियों के हिस्सा लेने के कार्य की व्यवस्था का भार सरत पर छोड़ा सरत ने नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उसकी व्यवस्था का भार देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को सौंपा सौंपा यहाँ सरत के नारी जागृत से संबंधित विचार उल्लेखनीय हैं अगली पंक्ति मशाल के दीप्त प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है यही बात सब लोग जानते हैं लेकिन उससे उसने वाली किंचित बदबू की और क्या किसी का ध्यान जाता है जल प्लावन से धरती उर्वर हो उठती है यदि उस जल के साथ कुछ मैला भी आ जाए तो परेशान होने की क्या बात है गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में स्त्रियां भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की पुलिस स्त्रियों पर कुछ भी अत्याचार कर सकती है लेकिन शरद का मानना मत था कि स्त्रियां मसाल के प्रकाश के समान हैं प्रकाश से अंधकार भाग जाता है स्त्रियों के सहयोग से अंग्रेज़ भाग जाएंगे उनसे किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि वे मानव की प्रेरणा है वे हर कठिन से कठिन कार्य बड़ी आसानी से कर सकती हैं वे कीचड़ में कमल के समान हैं यदि जल से उठने वाली दुर्गंध से थोड़ी सी हानि होती है तो उससे लाभ भी बहुत है यदि धरती पानी से डूब जाती है या धरती पर बाढ़ आ जाती है तो धरती उपजाऊ हो जाती है यदि पानी के साथ कुछ मैल भी आ जाती तो उससे कोई हानि नहीं होती उस मैल से ही नए अंकुर फूटते हैं और धरती में नए नए फूल खिलते हैं अगली पंक्ति जिस चेष्टा में जिस आयोजन में देश की नारियां सम्मिलित नहीं उनकी सहानुभूति नहीं उस सत्य की उपलब्धि करने का कोई ज्ञान कोई शिक्षा कोई साहस जिनको हमने नहीं दिया उनको केवल घर के घेरे के भीतर बिठाकर केवल चरखा काटने के लिए बाध्य करके कोई बड़ी वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकेगी हमने औरतों को जो केवल औरत बना रखा है मनुष्य नहीं बनने दिया उसका प्राचित स्वराज्य के पहले देश को करना चाहिए शरद का कहना है कि किसी भी बड़े काम के पीछे नारी का सहयोग आवश्यक है अगर उस काम के पीछे नारी का सहयोग नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता यदि किसी आंदोलन को सफल बनाना है तो औरतों की सहानुभूति प्राप्त करनी होगी परंतु हमने नारी को घर की चार दीवारी के भीतर बैठकर चरखा काटने को बाध्य कर दिया है जिसने जिससे उनकी किसी भी प्रतिभा का विकास अवरुद्ध हो गया है हमें उनको बराबर का अधिकार देना होगा तभी देश का विकास हो पाएगा भारत में नारी की घर की शोभा लक्ष्मी कहकर उसे केवल चार दीवारी के भीतरी की शोभा बना दिया गया है वह बाहर निकली कि धर्म से विचलित हो जाएगी अतः उसे घर में ही रहना चाहिए साहित्य में भी माया ठगनी आदि कहकर उसे समाज में बराबरी के दर्जे में वंचित ही रखा वंचित ही रखा नारी को केवल और औरत बहू बना कर रखा कभी उसे मनुष्य ने भी अधिकार ने वे अधिकार नहीं दिए जो उसे मनुष्य होने के नाते सहज प्राप्त होने चाहिए थे शरद का कहना है कि हमें स्वराज्य आंदोलन से पहले नारी की इस स्थिति को बनाने में खुद को जिम्मेदार ठहराकर पश्चाताप करना होगा फिर स्वतंत्रता का आंदोलन पूर्ण रूप से चल सकता है अगली पंक्ति पश्चिम की सभ्यता का मूल मंत्र है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीवन का मानदंड या रहन सहन का दर्जा बना बड़ा बनाना हमारे देश की मूल नीति के साथ इसके अंतर की आलोचना करने का स्थान यहाँ नहीं है किंतु उनकी समाज में समाज नीति की चाहे जैसी व्याख्या क्यों ना की जाए उसका लक्ष्य यह है धनी होना उनकी सामाजिक व्यवस्था उनकी सभ्यता धन विज्ञान के साथ जिनका जरा भी परिचय है वे इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे इस धनी होने का अर्थ केवल धन संग्रह करना नहीं अपितु साथ ही साथ पड़ोसी को भी धनहीन कर देना इसका दूसरा उद्देश्य है यहाँ शरद के उन विचारों का प्रतिपादन किया है जिनमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया है उन्होंने उसका विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ की मान्यताओं का भी विरोध करना पड़ा मान्यताओं के विरोध में उन्होंने शिक्षा का विरोध नामक निबंध लिखा है शरद ने पश्चिमी शरद ने पश्चिमी सभ्यता का सही अध्ययन किया था उनकी सभ्यता को वे भली भांति जान गए थे उन्होंने बताया कि पश्चिमी की संस्कृति वस्तुवादी है इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति को सुख देने वाले उपकरणों को एकत्रित करके अपने रहने का दर्जा ऊंचा किया जाए साधु शुद्ध ऐश्वर्य और विलासिता के उपकरण जुटाना ही उनका मूल उद्देश्य है जबकि भारत की संस्कृति में इनका अधिक महत्व नहीं है यहाँ सुख की बजाय शांति को महत्व दिया गया है सुख शारीरिक भोग से प्राप्त होता है और शांति मानसिक तत्व है जो थोड़े में ही संतुष्टि खोज लेती है भारतीय संस्कृति परमार्थ चाहती है जबकि पश्चिमी संस्कृति स्वार्थ चाहती है अगली पंक्ति यूरोप और भारत की शिक्षा में असल में विरोध इसी जगह पर है हमारा ऋषि वाक्य चाहे कितना अच्छा हो उसे वे ग्रहण नहीं करेंगे वह उनकी सभ्यता का विरोध है विरोधी है और अपनी शिक्षा भी वे हमको नहीं देंगे बात सुनने में अच्छी नहीं लगती परंतु वास्तव में है यह सत्य और दे भी तो उसमें जितनी भिज्ञा है वह ना लेना ही अच्छा शरद कहता है कि दुख इसी बात का है कि हमारा हमारी ऋषि सभ्यता कितनी भी अच्छी हो लेकिन पाश्चात्य ने उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया भारत और यूरोप की सभ्यता का मूल भूल विरोध मूल विरोध यही है कि उन्होंने अपनी वस्तुवादी भौतिकवादी विचारधारा का प्रचार तो किया परंतु हमारी आध्यात्मिक विचारधारा एवं सत्य को नहीं स्वीकारा यही तो मूल अंतर है कि भारत सत्य की खोज करता है ज्ञान बाँटता है और पश्चिमी सभ्यता धन की खोज करती है और ईसाइत फैलाती है वे हमारी विचारधारा को ग्रहण नहीं करेंगे बल्कि उसको अपनी सभ्यता की विरोधी बताकर उसका विरोध ही करेंगे अगली पंक्ति किंतु इतनी बड़ी शांत शक्ति और शुद्ध सत्यनिष्ठा की मर्यादा को धर्महीन उद्दंड राज शक्ति नहीं समझ सकती जो अनन्य भाव से सत्यनिष्ठ है जो मन वाणी काया से हिंसा को छोड़े हुए हैं स्वार्थ के नाम से जिसका कहीं भी कुछ नहीं है आर्तों के लिए पीड़ितों के लिए जो सन्यासी है इस अभागे देश में ऐसा कानून भी है जिसके अपराध से इस आदमी को जेल जाना पड़ा गांधी जी ने राज शक्ति का मुकाबला जनशक्ति से करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भगवान के अतिरिक्त मैं किसी से नहीं डरता यहाँ गांधी जी के ही विचारों का प्रतिपादन हुआ है गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वह सत्य पर अहिंसा पर आधारित था परंतु अंग्रेज सरकार अपनी शक्ति के घमंड के कारण सत्य की शक्ति को नहीं समझ सकी वैसे भी असत्य और अन्याय पर टिकी हुई राज्य शक्ति कभी भी धर्मनिष्ठता एवं सत्य अहिंसा को नहीं समझ सकती उसकी समझ में हिंसा की ही भाषा आती है उन्होंने अहिंसावादी गांधी को गिरफ्तार कर लिया अगली पंक्ति संपूर्ण अंतकरण से स्वाधीन और स्वराज्य की कामना करके वह जब अंग्रेजी राज्य के सब प्रकार के संसर्ग को त्याग करने के लिए राजी नहीं हुए थे तब उन्हें बहुत सी कड़वी बातें और गालियाँ सुननी पड़ी थीं बहुत सी कटौतियाँ के बीच एक तर्क यह था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ निरुपद्रव निरुपद्रव मार्ग से राज्य नहीं स्थापित किया और उसके लिए रक्तापात करने में भी संकोच नहीं किया तब केवल हम लोगों को निरुपद्र वमपंथी रहना होगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम काहे के लिए स्वीकार करें शरद गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन में पूर्ण साथ दे रहे थे लेकिन हृदय से गर्म दल के साथ थे वे मानते थे कि स्वराज्य लेने में अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो उसमें बुरा नहीं है लेखक ने ऐसे लोगों के संबंध में कहा है जो ऊपर से स्वतंत्र आंदोलन के साथ थे परंतु अंदर से वे अंग्रेजी सरकार के साथ थे ऐसे लोग संपूर्ण हृदय से स्वाधीनता तथा अंग्रेजी राज्य से छुटकारा पाने की कामना रखकर भी उसके संसर्ग से बच नहीं सके अर्थात मन से वे अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर रहे थे अगली पंक्ति यह चित्र दुख का चित्र है वेदना का इतिहास है अंधकार की तस्वीर है किंतु यही क्या आखिरी बात आखिरी बात है यही अवस्था क्या इस जिले के लोग चुपचाप सिरोधार्य कर लेंगे किसी को भी कोई बात कोई त्याग कोई कर्तव्य नहीं दिखाई देगा जिन लोगों ने देश सेवा के व्रत में जीवन अर्पण कर दिया है जो लोग किसी भी प्रतिकूल अवस्था को स्वीकार करना नहीं चाहते जिन्होंने गवर्नमेंट से भी हार नहीं मानी वे क्या अंत में अपने देश के लोगों से ही हार मानकर लौट जाएंगे संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर चल रही थी देश बंधु ने आंदोलन को नया रूप देने के लिए कौंसिलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा था जिसका बंगाल में तीव्र विरोध हुआ इसी विरोध को देखते हुए सरत ने कांग्रेस कमेटी के सभापति के पद से इस्तीफा देते हुए भारतीयों की निष्क्रियता और आत्मप्रवंचना पर करारा व्यंग करते हुए कहा था अगली पंक्ति पहाड़ में गति नहीं है वह निश्चल है इसी से उसकी चोटी एक जगह पर ऊंची रहती है उसे नीचे नहीं आना पड़ता किंतु हवा के थपेरे खाने वाले सागर की यह अवस्था नहीं है वह उठता है गिरता है यह उसके लिए लज्जा का कारण नहीं है यह उसकी गति का चिन्ह है उसकी शक्ति की धारा है तभी वह केवल ऊंचा होकर नहीं रहना चाहता वह जमता है तो बर्फ़ हो उठता है उसी तरह अगर हमारा यह भी आंदोलन है पराधीन देश का अभिनव गति वेग तो उठने गिरने का कानून उसे भी मान लेना होगा नहीं तो चल नहीं सकेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जेल जाने के बाद उसे स्थगित कर दिया था क्योंकि उन्हें शंका थी कि हिंसा भड़क सकती है लेकिन लोग दुखी हुए और उन्होंने समझा कि आंदोलन समाप्त ही हो गया ऐसे लोगों को समझाते हुए शरत ने कहा पहाड़ की चोटी ऊंची एवं स्थिर है निश्चल है उसे नीचे नहीं आना पड़ता लेकिन समाज में रहते हुए व्यक्ति पहाड़ नहीं बन सकता ऊंच नीच का परिवर्तन जीवन में अवश्यम भावी है अन्यथा जड़ता आ जाती है पहाड़ के समान सागर की स्थिति नहीं है वह विभिन्न प्रकार की हवाओं के थपेरे अर्थात झोंके खाता है वह कभी ऊपर उठता है कभी नीचे गिरता है यह उसके लिए लज्जा की बात नहीं है इसी तरह आंदोलन को भी विरोधियों के थपेड़े सहन करने पड़ते हैं विरोधी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है परिस्थितियों का सामना करते हुए कई बार समझौते करने पड़ते हैं झुकना भी पड़ता है अगली पंक्ति प्रजा की स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया है अब यह चाहे शिक्षा का परिणाम हो चाहे युग धर्म का हो चाहे ज़मींदारों के अत्याचारों का नतीजा हो जनता अब जमींदारी प्रथा का नाश चाहती है दो रोज पहले या दो रोज़ बाद ज़मींदारी मिटेगी जरूर जमींदारी को विदा होना होगा तुम किसी भी तरह से इसे बचा ना सकोगे शरद की रचना प्रक्रिया के तीन युग हैं पहला है कोड़ी भावुकता से पूर्ण रोमांटिक साहित्य दूसरा है नारी मुक्ति आंदोलन की विचारधारा से परिपूर्ण साहित्य तीसरा है शुष्क राजनीति से प्रेरित विचारात्मा विचारात्मक साहित्य यहां उनकी तीसरी विचारधारा ही व्यक्त हुई है जिसमें वे जागरण नामक उपन्यास की नायिका के पिता से कहलवाते हैं कि शरद का कहना है कि प्रजा की चित्तवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है वह अब दमित होकर नहीं रहना चाहता वह मुक्ति चाहती है यह परिवर्तन चाहे शिक्षा के कारण हो क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है चाहे यह परिवर्तन युग की परिस्थितियों के कारण हो क्योंकि इन जमींदारों के अन्याय अत्याचार की परिस्थितियों को व्यक्ति एक हद तक ही सहन कर सकता है जमींदारों के अन्याय एवं अत्याचारों की अति हो चुकी थी अतः जनता में जागरूकता जागरूकता आ गई थी वह सब इस प्रथा का नाश चाहते हैं अगली पंक्ति उस लेख में किसी अज्ञात कारण से रविंद्रनाथ उलझ गए नहीं तो उनके समान महान दृष्टा कला के क्षेत्र और उद्देश्य की व्यापकता के संबंध में अपरिचित हो ऐसा मैं नहीं मानता इसमें कोई संदेह नहीं कि वे आनंदमूलक सौंदर्य के कवि रहे हैं पर साथ ही दुख दैन्य अभाव शोषण और अत्याचार से पीड़ित जीवन के कठोर वास्तविक पहलू की उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की शरत स्वतंत्र चेता व्यक्ति थे वे रविंद्रनाथ की भी गलती गलत बात का विरोध नहीं करते नहीं हिचकते थे शरद दलित पीड़ित नारियों के पक्षधर थे एक बार रविंद्रनाथ ने एक लेख में व्यंग करते हुए कहा उसे कहा कला विशुद्ध आनंदमूलक सौंदर्य से संबंध रखती है इसका निवास चित्तपुर की गंदी गलियों में नहीं बल्कि वाणी के अनुकूल मंदिर में है शरद ने इसके प्रत्युत्तर में कहा कि शरद का मानना है कि रविंद्रनाथ एक महान दृष्टा है वे यदि कला के क्षेत्र तथा उसके उद्देश्य की व्यापकता को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा कला संपूर्ण मानवता का हित चाहती है इस बात से रविन्द्रनाथ अनिभिज्ञ ही, ही। अनुभिज्ञ हो शरत मानने को तैयार नहीं है जिस रविन्द्रनाथ ने एक कविता में वैश्याओं और दूसरी पतितों पतित स्त्रियों को सती सिरोमणि माना हो और पतिता शीर्षक कविता में एक वैश्य के अंतर में निहित देवत्व को अत्यंत मार्मिक सुंदरता से प्रस्फुटित किया हो वह आज कहे कि चीतपुर की चीत गंदी गलियों से कला का कोई संबंध नहीं तब यह संदेह होना स्वाभाविक है कि उनके लेख के पीछे कोई रहस्यमय कारण है हाँ यह सत्य है रविंद्रनाथ आनंदमूलक सौंदर्य के कवि हैं लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होंने अन्याय शोषण दुग्धैन्य आदि को भी स्वीकारा है उसकी अवहेलना नहीं की अगली पंक्ति थिएटर केवल आनंद के लिए ही नहीं है लोक शिक्षण का कार्य भी करता है लेकिन अगर देश के नाट्यकारों ने इस सत्य का को प्रतिपादित करते हुए कभी ऐसा नाटक लिखा है तो फौरन ही शांति रक्षा के नाम पर आइन की आड़ में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया इसलिए सत्य से वंचित हमारी नाट्यशाला आज देश के सामने लज्जित व्यर्थ और अर्थहीन है प्रस्तुत गद्यांश में शरद ने अनेक उपन्यास कहानियाँ निबंध लेख आदि लिखे लेकिन नाटक कभी भी नहीं लिखा क्योंकि उनकी नाटक और तत्कालीन भारतीय रंगमंच और राजनीति को बा को बारे में उनके विचार थे कि शरद का विचार है कि रंगमंच केवल आनंद प्रदान करने की वस्तु नहीं है वह लोग को शिक्षित करता है प्रेक्षकों को जीवन जीने की कला सिखाता है रंगमंच एक ऐसी रणस्थली है जहाँ सत्य न्याय की विजय होती है शरद को दुख है कि अगर कोई सत्य को प्रतिपादित करने वाले नाटक की रचना करता है तो सरकार उसका विरोध करती है और शांति भंग होने का भय दिखाकर कानून की आड़ में उसे जब्त कर देती है लेखक शरद का पथेड़ दाबी उपन्यास जब्त कर लिया गया था उनका कहना है कि यदि लेखक सत्य नहीं लिख सकता कलाकार सत्य नहीं प्रदर्शित कर सकता तो नाटक लिखने से क्या लाभ इसी कारण हमारा रंगमंच देश के सामने लज्जित है बेकार है अर्थहीन है क्योंकि वह सत्य को दिखाने में अक्षम है वो भी सरकार के भय से अगली पंक्ति आदर्श का विरोध मैं नहीं करता मैं यह भी नहीं मानता कि कोई कहानी या उपन्यास जीवन को जीवन का फोटो होना चाहिए पर जो आदर्श यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं होता आज के जीवन में मैं उसे उसका कोई मूल्य मानने को तैयार नहीं हूँ आदर्शवादी होने पर भी टाल ने प्रत्यक्ष जीवन की सच्चाई को यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया शरद की साहित्यिक चर्चा अनेक लेखकों एवं साहित्यकारों से होती थी उन्होंने एक कहानी अंधारे आलो में एक वैश्या का हृदय परिवर्तन दिखाया है जिसे पढ़कर इलाचंद्र जोशी ने कहा कि यहाँ जीवन सत्य के अनुरूप घटना का विकास नहीं हुआ है इसके प्रत्युत्तर में शरद कहता है शरद कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कहानी उपन्यास में यह आवश्यक नहीं कि उसमें प्रतिपादित सत्य जीवन के अनुरूप ही हो ऐसा करने से रचना केवल जीवन की फोटो बनकर रह जाएगी सौंदर्य का नाश ही हो जाएगा उपन्यास में आदर्श की स्थिति महत्वपूर्ण है हाँ यह आदर्श की स्थापना यथार्थ की नींव पर होनी चाहिए जीवन में जिस प्रकार आदर्श का महत्व है उसी प्रकार उपन्यास में भी आदर्श का महत्व है उनका मानना है कि किसी महान उद्देश्य के लिए यदि यथार्थ को थोड़ा सा मोहना पड़े परिवर्तन करना पड़े तो उससे आदर्श में कर खराबी नहीं आ जाती उन्होंने तालस्थाय का उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक आदर्शवादी लेखक थे लेकिन उन्होंने भी उन्होंने भी प्रत्यक्ष जीवन की सच्चाई को व्यक्त करने के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही अपनाया अतः आदर्श की स्थापना के लिए यथार्थ का चित्रण आवश्यक है अगली पंक्ति अंग्रेजी राज क्षमा कर देगा इस अधिकार को लेकर हम उसकी निंदा करें यह भी कोई पौरुष की बात नहीं है मैं नाना देशों में घूम आया हूँ जो कुछ जान सका हूँ उससे यही देखा है कि एकमात्र अंग्रेजी राज्य को छोड़कर स्वदेशी या विदेशी प्रजा के मौखिक या व्यवहारिक विरोध को और कोई भी राज्य उतने धैर्य के साथ सहन नहीं करता शरद ने पाथेर दावी नामक उपन्यास लिखा जिसकी क्रांतिकारियों में लोकप्रियता देखकर सरकार ने जब्त कर लिया इसकी लोकप्रियता से एक ओर शरद बाबू उत्साह से भरे हुए थे तो दूसरी ओर पुलिस एवं प्रशासन का क्षणिक डर भी था ऐसी स्थिति में शरद ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ को एक पत्र लिखा और साथ में इस उपन्यास की एक प्रति भी भेजी जिसे पढ़कर रविन्द्रनाथ ने कहा कि पुस्तक काफ़ी उत्तेजक है इसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों की प्रसन्नता हुई है लेखक के हिसाब से यह दोषी नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि में अंग्रेजी राज्य दोषपूर्ण है नहीं है इसी के संदर्भ में रविंद्र के विचार यहाँ व्यक्त हैं अगली पंक्ति पराधीन देश के अध्यपतीत समाज की असहाय अंत पूर्व चार के हृदय में मूक वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविर सहानुभूति ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया तुम्हारी अनावृष्टि दृष्टि सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य सुगम्भीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चरित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्ततम पता पा लिया है हे नारी चरित्र के परम रहस्य हम लोग तुम्हारी वंदना करती हैं यहाँ लेखक विष्णु प्रभाकर शरद के साहित्यिक गुणों की व्याख्या करते हैं शरद दलित पीड़ित नारी पुक्ति के पक्षधर एवं आंदोलनकारी थे इसी कारण शरद की सं... संतानवी जन्म जयंती पर उस उनका अभिनंदन करते हुए बंगाल की नारियों ने एक प्रशंसा पत्र पढ़ा था इस पत्र में कहा गया है हे नारी जीवन की पीड़ा को समझने वाले तुमने दासता की गर्द में गिरे हुए देश के पद दलित समाज की पददलित पात्रा अर्थात नारी जो असहाय है दुखी है पीड़ित है घर की चार दीवारी में बंद है उसका व्यथा कथा को मूत्र रूप में चित्रित किया है अतः नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी शरत नारी के सबसे बड़े समर्थक थे इसलिए नारी उन्हें अपना देवता मानती थी तभी तो उन्हें कहा कि तुमने नारियों के दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की अनुभूतियों को सहानुभूति सहानुभूतिपूर्वक देखा तथा अपने साहित्य में ढालकर उनके सुख दुख को प्रत्यक्ष कर दिया अतः नारी को उन्होंने सहानुभूति से देखा अगली पंक्ति कोई धारण या वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आई है इसी कारण वह सही नहीं है कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता सतित्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है वह मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसा अविच्छिन्न है कि एक ना रहे तो दूसरा निरर्थक है शरद स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उन्होंने कभी भी समाज की गली सड़ी जड़ मान्यताओं को नहीं स्वीकारा बल्कि उनका विरोध किया जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि आपने सत्यत्व की प्राचीन धारणा के विरुद्ध अपने एवं रिवोल्ट करा रिवोल्ट खड़ा कर दिया है तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा मैंने कोई रिवोल्ट नहीं खड़ा किया यह तो आधुनिक युग का प्रभाव ही है यह युग नारी का पर अत्याचार नहीं सहन कर सकता यहाँ स्त्री पुरुष समान है कोई भी बात या धारणा बहुत पुराने समय से चली आ रही है इसलिए वह सही हो यह मानना गलत है प्रत्येक पुरानी बात परंपरा मान्यता ठीक नहीं होती संभव है जब वह परंपरा चली तब उसका कुछ औचित्य हो परंतु समय के साथ उसकी प्रास समाप्त हो जाती है इसी प्रकार सती प्रभा की अब प्रासंगिकता नहीं है पति की मृत्यु पर पत्नी क्यों सती हो जाए आखिर यह मानवीयता की हत्या है सतीत्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है अंग का कभी पूर्ण तत्व नहीं बन सकता प्रधानता है मनुष्यता की यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा तो स्वतित्व की धारणा को कैसे बचा जा बचाया जाएगा अतः मनुष्य प्रथम है अगली पंक्ति वह सिद्धांतवादी नहीं थे अवसरवादी भी नहीं थे वह मनुष्य थे महानता के साथ साथ मानवीय कमजोरियाँ भी उनमें थी कमजोरियों से कटकर कोई महान नहीं बनता लेकिन अपवादों को छोड़कर अपने को संतुलित रखने का शानदार गुण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा सिद्धांत यदि उनका कोई था भी तो एक था अन्याय का प्रतिकार आवारा मसीहा शरद की जीवनी है इसमें लेखक विष्णु प्रभाकर शरद के साहित्य एवं जीवन के अनेक पहलुओं को प्रस्तुत करता है यहाँ शरद के चरित्र का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहता है कि शरद सिद्धांतवादी नहीं थे अर्थात वे किसी विशेष सिद्धांत से चिपके हुए नहीं थे वे सिद्धांतों में रहकर गलत काम करने के पक्षधर नहीं थे वे अवसरवादी भी नहीं थे कि जैसा अवसर हो वैसा ही बात करने वाले भी नहीं थे वे अवसर का फायदा उठाना भी नहीं जानते थे उन्हें अस, असम्बली का असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था क्योंकि वे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच चुके थे परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं साहित्यकार हूं नेता नहीं अतः उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा वे असाधारण प्रतिभा के साधारण मनुष्य थे महामानव नहीं थे मनुष्य के समान उनमें अच्छाइयाँ थी तो बुराइयाँ भी थीं इस बात का यह प्रमाण है कि उन्होंने बिना विवाह किए ही एक स्त्री को अपने घर में रख दिया था रख रखा था वे मानवता के पुजारी थे उन्हें पशुओं के प्रति प्रेम था पद दलितों के प्रति सहानुभूति थे वे विषम परिस्थितियों में हार मानने वाले इंसान नहीं थे अगली पंक्ति कभी किसी भी देश में विप्लव नहीं लाया जा सकता अर्थहीन आकार आकरण विप्लव की चेष्टा में केवल रक्तपात ही होता है और कोई फल नहीं प्राप्त होता विप्लव की सृष्टि मनुष्य के मन में होती है केवल रक्तपात में नहीं इसी से धैर्य रखने की उसकी प्रतीक्षा करनी होती है क्षमा क्षमाहीन समाज प्रतिहीन धर्म जातिगत घृणा नीति की विषमता स्त्री जाति के प्रति हृदयहीन कठोरता और आमूल चूल प्रतिकार के विप्लव पक्ष में ही राजनीति विप्लव संभव ना होगा संपूर्ण देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था इकतीस दिसंबर 1928 ईस्वी को स्वराज्य प्राप्त करने की तिथि निश्चित की गई गिरफ्तारियां हुई चौड़ी चौड़ी चौड़ा हिंसक घटनाएं भी हुई इस स्थिति को देख गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया यहीं से शरद गांधी जी के विद्रोह भाषण प्रकाशित किया और क्रांतिकारियों को सचेत किया अगली पंक्ति पृथ्वी मंडल के सभी शक्तिशाली जातियों के इतिहास की छानबीन करने पर देखा जाता है कि उनके बीच आत्मकलह ना रहती हो यह बात नहीं किंतु किसी बाहरी शत्रु का सामना करने पर वे लोग आपसी विवाद और कलह को स्थगित रखना जानते थे यदि पृथ्वी के सभी शक्तिशाली देशों का इतिहास पढ़कर देखें तो मालूम होता है कि उन देशों में विभिन्न विचारों के व्यक्ति ना हो, उनमें आपसी झगड़ा कलह ना हो ऐसी बात नहीं पर उनकी विशेषता इस बात में है कि जब उनके देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो वे सारे आपसी मतभेद भुलाकर एकता के सूत्र में बन जाते हैं अपने कला को स्थगित कर देते हैं वे किसी भी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों का साथ नहीं देते जबकि हमारे देश में कुछ दो भी हैं जो अंग्रेजों का साथ देते हैं अगली पंक्ति शरद की दृष्टि वर्तमान काल पर थी रविंद्र शाश्वत मानव के विराट जितेरे थे शरद मात्र अन्याय का विरोध करते थे और वे किसी भी तरह मनुष्य को छोटा करके नहीं मानते थे पति ताओं में निहित नारित्व को उन्होंने प्रकट किया है यही उनका जीवन दर्शन था परंतु उनके नरनारी इसी देश के अधिक थे इसके विपरीत कवि गुरु चीरकाल के सत्य को आदर्श के रूप में बार बार देश और समाज के सामने स्थापित करते रहते हैं शरद बाबू और कवि गुरु रविंद्र बाबू दोनों ही विशाल हृदय वाले व्यक्ति थे उन दोनों से जो एक बार मिल लेता था बड़ी जल्दी अपना बना लेते थे इतना सब कुछ होने पर भी इन दोनों के आपस में कभी भी विचार नहीं मिल सकते दोनों के बीच विचार के स्तर स्तर पर संघर्ष चलता रहता था अतः दोनों में ही विचारता भिन्न थी इसी भिन्नता को लेखक प्रकट करता हुआ कहता है कि सरस सदैव ही यथार्थवादी थे वे वर्तमान पर दृष्टि रखते थे जबकि रविंद्र संपूर्ण विश्व में मानवता खोजते थे उनका हृदय विश्वव्यापी था शरद अपनी मिट्टी से जुड़े लेखक थे वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध सदैव लड़ने के लिए तैयार रहते थे वे मनुष्य को छोटा करके नहीं देखते थे वे पतिता नारी में भी नारीित्व ढूंढ लेते थे उनका मत था कि जिस व्यक्ति ने इन्हें पतिता बनाया है दोष वही है ये तो मन से पवित्र है उनके नर नारी इसी देश से के थे उनका जीवन दर्शन भी यही था कि समाज में नारी को ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए इनके इसके विपरीत रविंद्रनाथ ठाकुर ने चिरकाल के सत्य को आदर्श रूप दिया वे सत्य को शाश्वत मानते थे और इसी को देश एवं समाज के सामने उसकी विशालता में रखा